बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुस्सलामुअलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयदी या खातमन्नबियीन। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम याला खत्मे नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी आप हमारे YouTube के चैनल खत्मे नबूवत फोरम के ऊपर हमारी रोज़ाना रात को होने वाली लाइव स्ट्रीम मुलाहजा कर रहे हैं। आज हमारा उन्वान है महदियत के झूठे दावेदार रियाज अहमद गोहर शाही के दावाए महदियत पर तफसीलात। ये असल में कहानी क्या है, ये सारी कहानी आज हमने डिस्कस करनी है। और इस ज़िमन में यूनस अल गोहर की एक वीडियो के ऊपर हमने तबसरा करना। यूनस अल गोहर रियाज गोहर शाही का जानशीन है और रियाज गोहर शाही के समझ लें कि तमाम मामलात को अकायदों नज़रियात को लेके आगे बढ़ रहे। तो इस सिलसिले में हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आप हमारे साथ होंगे। ये एक पहले कॉलर तशरीफ लाए हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो मुझे भी बात समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शाजी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइए जनाब। आप बिस्मिल्लाह करें पहले। बशीर खान साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। डैमेज हैज बीन डन साहब तशरीफ लाए हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम सलाम शाहजी। मीर अमजार कर रहा हूँ। मैं कहा डैमेज हैज बीन डन शाहजी। हाँ ठीक हो गया। आज जो डैमेज हैज बीन डन होनी है वो होनी है गोहर शाहियों की। जी जी ठीक है जी। तो वो कादियानियत की तो द डैमेज हैज बीन डन हो चुकी है और मर्दियों की भी, यानी मिर्जा जूनियर जेल में की भी द डैमेज हैज बीन डन हो चुकी है। अब कुछ इरादा बन रहा है कि जी जी गोहरियत की तरफ भी आया जाए। जी जी शाह जी। तो आज से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पुराने चैनल खत्मे नबूवत टाइम्स के ऊपर तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियोज ऑपरेशन मौजूद थे, लेकिन चूंकि वो चैनल हमारा खो गया तो अब नए सिरे से यहाँ पे इस नए चैनल खत्मे नबूवत फोरम के ऊपर हम द डैमेज हैज बीन डन करने जा रहे हैं गोहरियत का। जी शाह जी। मैं समझता हूँ शायद ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल के ऊपर। काशिफ भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार, आज गोबरियों की बारी आ गई। आ जाओ नेड़े नेड़े गोबरियों। बड़े लोग कहते थे गोबर शाही के बारे में कुछ बोले, गोबर शाही के बारे में आ जाओ जरा नेड़े नेड़े। हेडफोन कन्ना नु ला लो ते नेड़े होवो जरा। नेड़े नेड़े जिसने आना है वो यूनस अल गोबर को मैं नेड़े नेड़े आने की दावत दे रहा हूँ जनाब। आ जाओ जी अलड़ा टीवी चैनल। चला लिया आपने जितना चलाना था, तो आगे तो वही द डैमेज हैज बीन डन। आगे तो दुकान बंद बस होने लगी है। जी 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 जी
यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ जनाब वीडियो से, और वीडियो है यूनस अल गोबर साहब की, और मुलाहजा कीजिए। और हमारा तरीका वही है, थोड़ी थोड़ी वीडियो हम सुनाएंगे और उसके ऊपर फिर बाद में साथ साथ तबसरा भी हम करते रहेंगे। ये लें जनाब। मोहम्मद बिलाल, सियालकोट, पाकिस्तान। मुझे कुछ मालूमात दीजिए कि आपने सैयदना गौहरशाही के इमाम मेहदी होने का दावा किया, किन बिना पर किया ये दावा? उनके क्या मौजजात जिनकी बिना पर आपने इमाम मेहदी माना? जी सवाल हुआ जी, और सवाल करने वाला भी कोई गोबरी है, उसने सवाल ये किया यूनस अल गोबर से कि तूने रियाज गोबरशाही को क्यों इमाम मेहदी माना, किस तरीके से इमाम मेहदी माना, और उसके कौन से मौजजात को देख के तुमने उसको इमाम मेहदी माना, ये सवाल हुआ है। यहां पर आप मुलाहजा कर सकते हैं कि गोबरशाहियों का ये एक अकीदा भी सामने आ गया कि जनाब ये रियाज गोबरशाही को इमाम मेहदी मानते हैं, और दूसरा कीदा ये भी सामने आ गया कि ये जनाब रियाज गोबरशाही के मौजजात को भी मानते हैं। ये दोनों चीजों का सबूत वो आगे वीडियो के अंदर देगा। मेरा सवाल जो होंगे उस पर आप मेरे साथ तवज्जो कीजिएगा कि मेरी किसी बात का बुरा मनाइएगा, क्योंकि जब रहनुमाई हासिल करनी हो। अब ये जवाब देना शुरू कर दिया इसने, ये अब जवाब दे रहे यूनस अल गोबर उस साहिल के सवाल का जवाब दे रहा है, अब सुनते रहिए। तो इस तरह के सवालों जवाब तो होते ही है ना, तो जब तक के मेरा एतमाद नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं कैसे समझ पाऊंगा। सैयदना गौहरशाही को इमाम मेहदी मैंने माना, उसको मैं मानना नहीं कहूंगा, मैं उसको ये कहूंगा कि मेरी तहकीक के नतीजे में ये नतीजा बरामद हुआ कि वो ज़ाते आली मर्तबत जिसका सदियों से इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह समीम। सुन लिया आपने जनाब, कह रहे मेरी तहकीक के मुताबिक, ठीक है, कह रहे मेरी तहकीक के मुताबिक, मैंने तहकीक, इसको तहकीक का नाम दे, तहकीक करके मैंने यूनस अल गोबर ने रियाज गोबर शाही को अपना इमाम महदी माना है। और तहकीक कौन सी है कि ये रियाज गोबर शाही का इंतजार खुद नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे और दीगर सारे अंबिया इंतजार कर रहे थे, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रियाज गोबरशाही का इंतजार में थे कि कब आए। और ये इसने की है तहकीक इसके ऊपर, इसको मानना नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, तहकीक। आगे अभी तक तो कोई इसकी दलील नहीं आई, देखते हैं इसके ऊपर इसके पास दलाइल कौन से हैं, उन दलाइल को हम देखेंगे, और फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी हम आपको दिखाएंगे कि कुरान और हदीस इसके ऊपर क्या कहते हैं। हमारे दलाइल इसकी वीडियो के बिल्कुल आखिर में आएंगे, आगे सुनिए। तमाम फुकरा, औलिया, सालिहीन, शहदा, समी सबको, और फिर तमाम अदवार के मोमिनीन को इंतजार रहा, वो ज़ाते आली मर्तबत सैयदना गौहरशाही हैं। मैं सरकार गौहरशाही से उस वक्त वाबस्ता हुआ जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता। मुझे जाहिर है दीन की इतनी समझ नहीं थी। मतलब ये कि ये उस वक्त जनाब रियाज गोबरशाही को इसने मान लिया अपना इमाम मेहदी, कि जब ये हाई स्कूल में पढ़ता था,
और यूनस अल गोबर वाजे तौर पे कह रहा है कि देखो उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी दीन की इतनी। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टीन एज होती है उस वक्त खुद इंसान की जो अकल होती है वो कामिल नहीं होती, जो अकल के अंदर पुख्तगी आती है वो तो कोई 25 साल या 30 साल के बाद जा करके कोई पुख्तगी आनी शुरू होती है। ये कच्ची उम्र होती है, कच्ची अकल होती है। और वैसे भी यूनस अल गोबर कह रहा है कि भाई मेरे मुझे उस टाइम इतना कोई दीन का भी पता नहीं था। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए उस वक्त ही वो कहता है कि मैं उससे व्यवस्था हो चुका था। आगे बढ़ते लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का पोटेंशियल मुझे नजर आता था अपने अंदर। ये नहीं कह रहा कि मोहब्बत थी, हुजूर की मोहब्बत का एक रंग महसूस होता था कि दिल में आकाए दो जहां खातिब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रंग है। तो आपसे वाबस्ता होने के बाद दिल की धड़कनें अल्लाहू 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 करना शुरू हुई। कुछ ही अर्सा गुजरा था कि दिल के ऊपर इसमें जात अल्लाह भी नक्श हो गया। चलो जी नवी सुन लो जनाब, खुद कह रहा है कि उस बचपने के आलम के अंदर जब उसकी अकल भी ना पुख्ता है, पुख्ता नहीं है, तो उस वक्त इश्क रसूल मुझे बड़ा हो गया और इश्क रसूल ऐसा हो गया कि जनाब दिल ने अल्लाहू अल्लाहू करना शुरू कर दिया। क्या ही बात है, वाह। हाँ जी, जो भी गोबर शाही वगैरह के मुरीदीन है उनसे मेरी गुजारिश है कि आज की हमारी स्ट्रीम को लाजमी तौर पे ज्वाइन करें और कुछ चीजें हम लोगों ने भी आप लोगों से पूछनी है। रियाज गोबर शाही का कोई मुरीद आ जाए फिर भी ठीक है, चल जाएगा। यूनस अल गोबर का कोई मुरीद आ जाए तो फिर भी चल जाएगा। तो ये जो हमारे सवालात हैं या इतराजात हैं उनके जवाबात भी अब बनते हैं, तो उनके जवाबात दिए जाए। मैंने यूनस अल गोबर को कई दफा इसके पर्सनल के ऊपर कॉल करने की कोशिश की, सवालात ऑडियो के अंदर भी रिकॉर्ड करके सेंड किए, लेकिन आज तक कोई जवाब आया नहीं। यूनस अल गोबर का पर्सनल नंबर मेरे पास है, इसने मुझे अपने पर्सनल नंबर से ब्लॉक कर दिया। इसके बेटे का नंबर भी मेरे पास है, उसने एक आध दफा एक मौजू के ऊपर मुझसे बात की, लेकिन बाद में जब मैंने इसके उसके दिए हुए दलाइल का रद्द किया तो उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। यानी बाप और बेटे दोनों ने मुझे ब्लॉक किया। अब इन लोगों ने गुफ्तगू के तमाम दरवाजे बंद किए हुए हैं, यही काम कादियानी मर्ज़ई करते हैं, यही काम जनाब मिर्जा जूनियर जेलमी वाले करते हैं और यही काम गोबर शाहिये भी करते हैं। मतलब ये यक तरफा अपने अपने ये चैनल बना के बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर और जनाब अपनी हांके चले जाते हैं, अगले बंदे की बिल्कुल सुनते ही नहीं है और अगले बंदे के जो इतराजात होते हैं उनके जवाब ये देते ही नहीं है। और लाइव साल तो किसी के लिए जिया साहब लगता है कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लें जनाब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है, ठीक है, खैरियत? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुफ्ती साहब, मैंने एक दफा ये जो है ना यूनस अल गोबर, इनके किसी बंदे ने मुझसे राबता किया तो मैंने इनको ना सिर्फ एक सवाल भेजा था, ये गोबर शाहियों को ना सिर्फ एक सवाल ये किया था कि मैंने कहा, जब ये इन्होंने एक वीडियो के ऑडियो रिकॉर्ड कराई थी कि रियाज अहमद गौर शाही नऊज़ुबिल्लाह रब्बुल अरबाब का इन्होंने उसको ना दर्जा दिया, तो मैंने इनसे सिर्फ एक सवाल किया था। मैंने ये कहा था कि बकौल
आपके कि वो 1952 में रावलपिंडी की तहसील गुजरखान में पैदा हुआ, ये सारा कुछ आप। तो मैंने कहा वो बंदा रियाज गोबर शाही जो 9 महीने माँ के पेट में रहा है, तो उसको कोई जात है, वो कौन है जिसने उसको 9 महीने माँ के पेट में रिस्क दिया है, वो कौन है मुझे ये बताओ सिर्फ। और आज तक वो उस चीज का जवाब नहीं दे सका। इस सवाल के मुकाबले जवाब में उसने, यूनिस गोबर शाही ने 55 मिनट का एक क्लिप मेरा नाम लेके रिकॉर्ड कराया था, लेकिन वो आए बाएं शाएं आपको पता है ये किस चीज का जवाब देते, सिर्फ इस सवाल का जवाब आज तक वो मुझे नहीं दे सके और ना दे सकेंगे और ना दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, जजाक अल्लाह ज़ियाउल हक साहब। आप हमारे साथ ये माइक म्यूट कर दीजिए, वीडियो के आखिर तक कोशिश करें कि आप हमारे साथ रहें। झूठ के कोई कहते हैं ना पाँव नहीं होते। मैंने अपने सबका चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर तफसीली रद्द किया था इनका, यूनस बल्कि सॉरी रियाज गोबरशाही की सारी किताबें तकरीबन 5-6 उसके छोटे छोटे रसाइल हैं उनके हमने तफसीली रद्द किए थे। तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा कर देते हैं, चैनल तो चला गया, कोई मसला नहीं, नवे सिरे तो फिर शुरू। हाँ जी, तो ये चैनल भी जाएगा तो फिर शुरू कर देंगे, कोई गल जान है तो जहान है। अच्छा जी, तो गुजारिश ये है कि जनाब चोर चोर का भाई होता है, चोर चोर का भाई होता है, चोर चोर का सपोर्टर होता है, चोर चोर का फॉलोअर होता है, चोर चोर का हमायती होता है। एक दूसरे में ना बहन भाई मिल मिला के ना जनाब हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं। जनाब ऊपर हैं वड्डे मिर्जा जी, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी साहब, ठीक है जी, साथ ही हाथ खड़ा किया हुआ है किसने, ये यूनस, ये रियाज गोबरशाही साहब ने, क्योंकि महदियत का दावा उसने भी किया था, इसने भी कर दिया, तो इस एतबार से दोनों हाथ जोड़ के खड़े। साथ ही नीचे आ जाते हैं एक वो इमाम साहब नए आ गए, जेहलम वाली सरकार, उन्होंने भी कहा मैं भी इमाम हूँ, मोहम्मद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जूनियर साहब, वो हाथ बांध के साथ खड़े हो गए, वो भी सपोर्ट में, मैं भी इमाम हूँ, ठीक है जी। इसके साथ जनाब आगे मजीद शाखें इनकी बनी और मिल मिला के पेटी भरा आपस में मिल मिला के एक दूसरे को। अब दुकानदारियां चलाने का तरीका क्या है, तरीका इनका ये है कि एक दूसरे के पांव खींचता है, दूसरा तीसरे के पांव खींचता है, तीसरा चौथे के पांव खींचता है, चौथा वो पहले वाले अब्बा जी के पांव खींचता है। कोई भी एक दूसरे को मानता भी नहीं है, अकीदा नजरिया सबका एक, घूम फिर के सर्कल के अंदर सबने हाथों में हाथ डाले हुए, ड्रामेबाजी वो ही है, दुकानदारी वो ही है, पीरी फकीरी और बाबागिरी वो ही है, वो ही बाबागिरी, वो ही चुदराहट, वो ही तकबुर, वो ही हसद भुगद अनाद इस्लाम से, वो ही है। सबका एक मकसद है, एक मिशन है, इस्लाम को हमने नुकसान पहुंचाना है और इस्लाम के दर पे इन्होंने बहुत कुछ रंग रलियां मनाई और मना रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो दलायल दिए मिर्जा वड्डे मिर्जे ने, वही दलायल रियाज गोबरशाही ने दिए थे, मैं इमाम में थी। इसने थोड़ा सा अपना नक्शा चेंज कर लिया, कहने लगा जनाब मेरा असल में ना चांद के ऊपर वो मेरी शक्ल नजर आ रही है, चांद के ऊपर जनाब। अब रियाज गोबरशाही की शक्ल आप देखें, शक्लें बनाई हुई तो मेरे मालक की हैं, अल्लाह पाक की हैं, अल्लाह सोने की हैं, शक्लों पर तो नहीं हम जाते, लेकिन थोड़ी सी मैं एक बात कर लेता हूं, अल्लाह मुझे माफ करे कि दुनिया के अंदर इन विचारों की शक्लें देखने के लायक नहीं होती। हाँ जी, जो यकीन जाने चरसिए मवालिए टाइप भंगिए पोस्तिए नफसियाती मरीज अकल से आरी दुनिया से थके हुए हारे हुए मायूस लोग जिनको कोई भी जनाब कोई घास भी नहीं डालता, वो इस किस्म के जनाब दावाजात शुरू कर देते। यही दावाजात मिर्जे सीनियर ने किए, यही दावाजात
ये रियाज गोबरशाही ने की है, इसी किस्म के कुछ दुकान अलग से आजकल खोली है जनाब मिर्जा जूनियर जेल में साहब ने मुझे दाई बना के भेजा गया। हाँ जी, उसको भी इन लोगों ने, इसके मुरीदीन ने इमाम मेदी बना दिया हुआ है इमाम साहब। हाँ जी, तो अब ये देखिए जरा ज़िया साहब आपकी वॉइस आ रही है, अपना माइक म्यूट कीजिए। शाह साहब सिर्फ माजरत के साथ मैं एक बात, छोटी सी एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे वो यूनिस गोबरशाही का व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है किसी तरीके से, पर्सनल नंबर? मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे रابطہ करिएगा, मिल जाए। अच्छा जी, अब ये देख ले बेचारा, ये वो शख्स है रियाज गोबरशाही के जनाब जो जो रंडीबाजी किया करता था, इसकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है जनाब रूहानी सफर, इसकी वो जो इसने सफर रूहानी किया था, चिल्ला कशी की थी जैसे मिर्जा सीनियर ने चिल्ला होशियारपुर किया था, उसी किस्म का चिल्ला इसने भी एक किया था। और उस वड्डे मिर्जा जी को तो वो होशियारपुर में जाके होशियारी शायद आई थी, होशियारी होशियार हो गए ना होशियारपुर, तो ये होशियारपुर हो गए पता नहीं इधर। अच्छा, वो किताबों के ऊपर मैंने अभी प्रेशन करना है, हाँ वो भी बाकी है, वो आज तो मैं पहली स्ट्रीम कर रहा हूँ इस चैनल की, तो वो करूँगा दोबारा, वो पूरी पूरी किताबें हम स्टडी करेंगे और इन गोबरियों को बुलाएंगे। आओ इसका जवाब दो जनाब, मजनू मियां जो भंग पीता है उधर, चरसे पीता है और एक रंडी के साथ मटर गश्त करता है, हाँ जी शबबाशियाँ भी करता है, रूहानी सफर हो रहा है जी, बकायदा उसने लिखा है किताब के अंदर मैंने किस तरीके से अपना रूहानी सफर तय किया। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक दिन ना एक खोता आया गधा मेरे पास, तो वो खोता आया, खोते के ऊपर मैं बैठ गया, तो खोते ने फिर मुझे पूरी दुनिया की सैर कराई, खोता कभी मुझे इधर ले गया, कभी इधर ले गया, कभी उधर ले गया, फिर मैंने सैर की। मिर्जा सीनियर ने भी यही ड्रामे किए जो हजरत इमाम मेहदी की अलामत या निशानियां अहादीस के अंदर लिखी हुई थी ना, उसने कहा वो सारी की सारी मेरे अंदर पाई जाती हैं। हाँ जी, गिरी पड़ी जो भी इधर उधर की जो सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा था, उनके मुकाशफात थे या उनकी जो तहरीरें थी, वो सारी अपने ऊपर अप्लाई कर दी। वो एक उस तहरीर जैसे शेख इब्ने अरबी की वो किताब में तवाम पैदाइश वाला वो वाकया था, उसके ऊपर पूरी मैंने स्ट्रीम की है पिछले दिन, तो मिर्जा कादियानी ने उसके ऊपर अपनी अप्लाई कर दी। उसने कहा मैं भी तवाम, मेरी पैदाइश हुई है, मेरे साथ एक जन्नत मेरी बहन थी, तो वो माँ के पेट के अंदर शर्मगाह से पहले निकली, तो उसकी टांगों के अंदर मेरा सारा फंसा हुआ था, फिर मैंने पलाया, तो लिहाजा मैं इमाम मेहदी। तो ये असल में ये रोले होते हैं इनके। अब इसने हदीसों के अंदर पढ़ा हुआ था कि हजरत इमाम मेहदी का एक खरुद्दीज, इमाम मेहदी के दौर के अंदर, इमाम मेहदी के दौर के अंदर दज्जाल का भी जहूर होगा और उस दज्जाल के पास एक गदा होगा, उसने ये पढ़ा था। अब इस उल्लू के पट्टे को समझ ही नहीं आई, वो था खरुद दज्जाल, दज्जाल के गदे की बात थी। अब इसने कहा कि अच्छा वो पता नहीं इमाम मेहदी का गदा होगा। इसने जरा वो, इसने कहा वो खोता मेरे पास आया, उस खोते के ऊपर बैठ के, हदीस के अंदर ये था कि दज्जाल उस गधे के ऊपर बैठ के गर्दश करेगा, ऐसे मिनटों सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया घूम लेगा। तो इसने कहा ले पता नहीं वो तो इमाम मेहदी का गधा आएगा, ते चूंकि मैं इमाम मेहदी हूं तो दावा करना है, ते चल क्यों ना रूहानी सफर लोगों में एक फकी दे। अब इसने जनाब लपेट दी, अब कौम है अंधी सारे इस तरह के। अब देखिए ना, मानने वालों की तो कमी नहीं ना होती, मानने वाले मान लेते हैं भाई, मानने वालों ने देखे मिर्जा जूनियर जेल में को भी तो माना है ना, वो मिर्जा सीनियर कादियानी को भी तो माना है ना, तो मानने वालों ने इसको भी मान लिया, कितना मजमा इन्होंने इकट्ठा नहीं किया हुआ, कितना मजमा इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। अगर फितनों की अगर बात करें ना, फितनों की, तो समझ लें कि मुसलमानों के फितने यानी इस्लामी रंग के अंदर जो फितने आए हैं, उनमें पहला नंबर जो आता है वो मिर्जा कादियानी का आता है,
दूसरा नंबर जो आता है ना वो आता है जनाब इसका रियाज गोबर शहीद, और तीसरा फितना तो आजकल चल ही रहा है ये मिर्जा जूनियर जेलवी का। ये तीन फितने मेरे मेरे इलम और मेरे नॉलेज के मुताबिक ये तीन फितने इस्लाम के रंग के अंदर सबसे बड़े फितने। और भी फितने होंगे लेकिन वो छोटे हैं, शायद वो कम है या उनका उनके जहर का असर इतना नहीं है जितना इन तीन फितनों के जहर का असर है। बड़ी कौम इन लोगों ने घेरी है, जितनी कौम कादियानियों ने घेरी हुई है ना इतनी ही तकरीबन कौम ये रियाज गोबरशाही ने घेरी हुई है। जितने मरकज कादियानियों ने खोले हुए उतने ही मरकज इन्होंने भी खोले हुए। जो अकीदा नजरिया मिर्जे कादियानी का था वो ही अकीदा नजरिया सेम इसका भी है। जो करतूते मिर्जे कादियानी की थी वो भी बंग पीता था, चरस पीता था, फीम खाता था और उल्टे काम करता था, जानी था, सेम यही रियाज गोबरशाही भी सारे यही काम करता था। तो सबका तरीका वारदात ना मिलता जुलता है। वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, चूंकि हमारा वो वीडियो तकरीबन आधे घंटे की है तो वो वीडियो ना बीच में रह जाए। तो अच्छा ये तो तस्वीर में दिखा रहा था तो वीडियो देख लेना। तबसरा तो हमने आखिर में करना है और अपने दलायल भी देने हैं वो आखिर में देंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि गोबरशाही के मुरीदीन सामने और फिर सीने के पांचों लताए म्यूजिकल करने लगे। लो जी अब सीने के पांचों नताएब भी जिक्र करने लग गए। ये ना जिक्र के बड़े रोले डालते हैं ये लोग। ये जिक्र क्या है इसके ऊपर भी तबसरा करते हैं। एक दफा सुना कि जब सीने के पांचों लताएब जिक्र करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे एक रूहानी मौसीकी सीने में बज रही। तो ये बात है 1987 की, सरकार का घर बन रहा था और कराची में एक कारीगर होते थे इरशाद भाई। लो जी रूहानी मौसीकी भी आ गई है जनाब, पहले रूहानी रक्स आया था अब रूहानी मौसीकी भी आ गई है जनाब। 1986 के अंदर सरकार का यानी रियाज गोबरशाही का घर बन रहा था तो उस वक्त ये मुसीकी इसको इसने सुनी थी रूहानी मुसीकी। आगे देखिए होता है क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि वहां काम करना है तुम चलो, मैं चला गया। तो रात के 2:30 बजे हम गड़ा खोद रहे थे, सरकार का वो जो घर है बन रहा था गड़ा खोद रहे थे। 2:30-3 बजे का रात का वक्त होगा, इरशाद भाई खुदाई कर रहे थे और मैं मिट्टी वहां से उठा के दूसरी जगह जा रहा था। यही कर रहे थे तो अचानक देखा कि सरकार जो है दरवाजे से तशरीफ ले आए। सरकार ने बनियान पहना हुआ है, जुल्फ़े मुबारक जो है वो लहरा रही है और धोती बांधी हुई है। वाह बल्ले ओए वाह वाह क्या नक्शा पेश किया है, अल्लाह मजा ही आ गया है। धोती बनी है, लिट्टा लहरा रही ते बनैन पहनी है, ते लोटा नहीं सी फड़िया यार हाथ च, मजा नहीं थोड़ा जा मजा नहीं आया सन, हाथ च लोटा भी फड़िया होना ते फिर मजा आना। और आके खामोशी से वहां ईंट उठा के उसमें बैठे और हम जो है वो काम करते रहे। अच्छा तो जब सरकार ने ये देखा कि मैं मट्टी उठा के जाऊं तो मैं घूम के जा रहा था सरकार को पीट ना हो। अच्छा जी वाह वाह। तो सरकार देखते रहे मुस्कुराते रहे, फिर अचानक खड़े हुए और फिर फरमाया कि ये जो यानी थाल है मिट्टी से इस तरह पर फिर ज्यादा आई। फिर मैंने उसको उसी तरह भरा और पीले के जाता रहा। सरकार तशरीफ फरमा रहे 1.5-2 घंटा और फिर अचानक फरमाया कि तुमने सुना था
कि सीने में जब सारे लतीफे रोशन हो जाते हैं तो जिक्र इलाही से ऐसा समा बनता है जैसे मौसीकी बज रही हो। क्या तुम्हें वो मौसीकी महसूस होती है? सरकार ने कहा ही था तो सीने में सारे लताइफ जो है अपने अपने जिक्र के साथ मस्त हो गए, खूब जोर जोर से आवाज आने लगी, कहीं से अल्लाह की, कहीं से या मैं बातें थोड़ी। अच्छा ये चीजें हैं वो, इन चीजों को फिर ले करके मिर्जा जूनियर जेल में है या मतलब जवेद गांधी है या इस तरह के जो लोग हैं जो रूहानियत को या गैब को नहीं मानते, इन चीजों को नहीं मानते, तो वो फिर तमस्खुर करते हैं। और वाकई ये चीजें हैं भी तमस्खुर वाली ही और काबिले इतराज है। देखिए कि सच कुछ और है, सच के अंदर बनावट, तसन्नो, रिया और हुलु, इन चीजों का इख्तलात हो चुका है। जिया साहब आपका माइक म्यूट हो गया। फिर ये चीजें मिक्स हो गई हैं, वो इन ये लोग देख के ना इन चीजों को फिर करते हैं इतराजात, फिर वो इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या चीजें हैं, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो नहीं था, सहाबा के दौर में तो नहीं था, कुरान और हदीस में तो ये चीजें नहीं मिलती। समझ आई कि नहीं? ये है इन लोगों के ड्रामे के, हकीकत जो थी ना उसके ऊपर इन्होंने मुलम्मा साजी की, उसके उसको मजीद कुछ लिबास पहनाए और अपनी सदाकत के लिए इन लोगों ने पेश किया। असल में ये देखिए वो जो ये सब कुछ पेश कर रहा है ना वो अपनी सदाकत और असल में अपना बता रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा, मैं भी इमाम मेहदी पता नहीं बन गया, और दूसरा अपना रियाज गोबरशाही जिसको ये इमाम मेहदी मानता है उसकी सदाकत, तो यानी ये दोनों की, अपनी और उसकी दोनों की सदाकत में ये सारी कहानी एक पेश कर रहा है। लताए फाए तो वो रूहानी मसीकी शुरू हो गई, तो अंदर तो गाना बाजा ही शुरू हो गया, हाँ जी, तो जब अंदर मसीकी शुरू हुई तो बाहर रक्स शुरू हो गया, सब ड्रामे बाजे, सब ड्रामे बाजे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सेंसर करके बताता हूं, वरना हमारी कौम ऐसी है कि ये जो है खुदनुमाई का इल्जाम लगा देते हैं, देखो जी क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा होता है इनके साथ, तो सरकार जो है, हाँ नहीं इल्जाम नहीं, इल्जाम वो होता है, इल्जाम की तारीफ ये है कि जिसकी कोई हकीकत ना हो, तो जब हकीकत मौजूद हो तो फिर वो इल्जाम इल्जाम नहीं रहता। हकीकत ये है कि जो चीजें तुम कहते हो या बयान करते हो या जो तुम अभी कह रहे हो इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही कुरान में ना ही हदीस में, अगर सबूत कोई है तो ले आओ हमारे सामने, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और अगर तुम ये कहो कि नहीं मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है कुरान और हदीस का, तो फिर ये तुम्हारी गप्पे ही समझी जाएंगी कि तुम गप मार रहे हो, गप्पों के अलावा ये कुछ भी नहीं, फिर तो गप ही समझी जाएगी ना कि तुम एक लायर इंसान झूठ बोल रहे हो। तो फरमाने लगे कि मट्टी बहुत ज्यादा है, मैं किसी को भेजता हूं तुम्हारी मदद के लिए, मट्टी ज्यादा है मैं किसी को भेजता हूं तुम्हारी मदद के लिए। तो मैं ये सोचने लगा कि अगर यहां पर कोई होता तो पहले ही आ जाता मदद को, यहां तो कोई भी नहीं। उस वक्त इतना वहां कोटी शरीफ में इतना कोई जमघट नहीं होता, बाद में तो लोग आके रहने लग गए थे ना, लेकिन उस वक्त जो है वो घर बन रहा था, अब बन रहा था तो ज्यादातर लोगों के आमतौर पर हैदराबाद हुआ करती थी। खैर सरकार तशरीफ ले गए, थोड़ी देर बाद जो मैंने देखा दो तीन जो है बुजुर्ग वो आस्तीनें ऊपर करके आ रहे हैं, चलन भी जा रहा है इनसे। तो मैं जो है वो हंसा, मैंने कहा कि भाई आप बैठे यहाँ पे आप क्या करेंगे, मुझे यही लगा कि ये जो है इर्द गिर्द के जो झुग्गियों में लोग रहते हैं ना वो आ गए।
क्योंकि वहां कुछ आवाज नहीं थी, तो वो बुजुर्ग जो है बड़े कुरान थे। हाँ यानी मैंने जो बात कही उसका उन्होंने नोटिस ही नहीं दिया और बस आंखें सुर्ख हैं उनकी और चल रहे हैं और बजरी भर रहे हैं उसमें मिट्टी डाल रहे हैं और उठा के जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो उनमें से जो एक बुजुर्ग थे मैंने उनको कहा कि सही आपका नाम क्या है, यानी मैं ऐसे ही बच्चा था ना अभी इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं था, यानी शरारती मूड। मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो वो कहने लगा फरीद फरीद। मैंने आगे पीछे नहीं है कुछ लो जी ख्वाजा गुलाम से रहमतुल्लाह शायद आ गई है, नमी सुन लो ठीक हो गया। तो दूसरा जो है बुजुर्ग उससे मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो कह रहा अली अली। लो जी मौला अली भी आ गए, सुनते जाना तरह और फ्लेट ही आया जो भाई हूं चौधरी लख दी लानत जी सारे मतलब इब्राहिम शाह साहब भी आ गए हैं। मैं क्या बलेटी जाई चौधरी हूं जरा फड़ी जाई बस तैयार जी जी मैं गेट तैयार कीती आओ बाद में पता चला कि वो अली हजवेरी। अच्छा अली हजवेरी, ओ यार इथे थोड़ा जा काम खराब हो गया। नहीं बख्श रहमतुल्लाह तो नाम उन्होंने बता दिए। उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया कि ये फरीद और ये अली और ये मोइनुद्दीन ये कौन है, लेकिन कसम खुदा की आप यकीन करें ये जो लोग थे मिट्टी उठा उठा के ले जा रहे। अब यहाँ पर एक शक और शुबे को रफा करता चलो और फिर आगे बढ़ते हैं। मिर्जा जूनियर जेलमी वाले शयातीन उन्होंने अब इसके ऊपर पता है क्या कहना है, कहना है अगर ये सब कुछ गलत है तो हम भी तो सही कह रहे हैं कि तुम्हारे बाबों की किताबों के अंदर जो कुछ लिखा है वो भी गलत है। ठीक है इसकी डिटेल कल के ही स्ट्रीम के अंदर मैंने मुफसल बता दी थी कि देखो मुहय्यिरुल अकूल अमल जाहिर हो इंसान से तो उसकी तीन किस्में होती हैं, या मौजदा बनता है या करामत बनती है या इस्तेदराज बनता है, तीन चीज। देखा यह जाएगा कि मुहय्यिरुल अकूल एक फेल अगर तो किसी नबी से सदूर पाया है तो वो मौजदा है, अगर गैरे नबी से किसी साले इंसान से उसका सदूर हुआ है तो वो करामत है, और अगर किसी शराबी जानी फासिक फाजिर या किसी काफिर मुशरिक से इस किस्म की चीजों का सदूर हो तो उसको इस्तेदराज कहते हैं। अब ये जो बयान कर रहा है इसकी दो सूरतें, या तो ये टोटली झूठ बोल रहा है इसकी कोई हकीकत नहीं, और अगर ये सच बोल रहा है वाकई ऐसे हुआ तो इसको कहेंगे फिर इस्तेदराज। इस्तेदराज ये इस तरीके से कि इन लोगों का एक अमल भी शरीयत के मुताबिक नहीं है। अगर ये साले होते नेक और मुत्तकी होते और फिर इनसे इस किस्म की चीजों का सदूर होता तो फिर बाद में कोई उसको यकीन करना और मानने के दर्जे पर वो फायज होता। जब ये लोग फासिक और फाजर और इनकी करतूतें और इनकी जो किताबों में जो लिखा है इनका अमल जो है खुद अभी तक जो इनके अमल है वो फिस्क और फजूर है, वो कुफर है, और इतने बड़े बड़े कुफरियात के अलामान वाला फीस, तो ऐसी चीजें एक काफर के हाथ से अगर सदूर पाएंगी तो उसको इस्तेदराज कहेंगे, करामत का नाम और मौजदे का नाम तो दे ही नहीं सकते। हालांकि इसने इससे सवाल ये हुआ था कि कौन कौन से मौजजात देख के तूने रियाज गोबरशाही को इमाम मेदी माना है, सवाल ये था, और ये मौजजा बता रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी यूनस अल गोबर के नजदीक ये रियाज गोबरशाही का मौजजा है, क्योंकि सवाल ये हुआ था उसके जवाब के अंदर ये चीजें बता रहे हैं। सुनते रहिएगा आखिर में मजीद इंशाल्लाह तबसरा करते हैं, वीडियो भी बाकी। अब ये मैं बातें करता तो नहीं हूं, अब उन्होंने पूछा है मुझसे कि आपने सरकार गौरशाही को इमाम मेहदी कैसे माना। अब जब मैं ये देखूं कि अच्छा यहां पर एक चीज और अर्ज करता चलूं कि ये वाली वीडियो एक ऐसी इसकी वीडियो है, इस वीडियो का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि ये एक इसकी हजारों वीडियोज है इसके चैनल के ऊपर, ये एक वीडियो एक तफसीलात है, मुकम्मल तफसीलात
इस दावे के ऊपर कि रियाज गोबरशाही इमाम मेहदी है, यानी जितने उसने दलायल देने थे ना वो दे दी इस एक वीडियो के अंदर। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि इसके पास कोई दलील हो मजीद। जो भी इसने पूरा जोर लगाना था, सर के बालों से लेके पांव के नखनों तक उसने जोर लगा के रियाज गोबरशाही को इमाम मेहदी साबित करने की कोशिश की है। सुनते रहिएगा जनाब। बाबा फरीद जैसी हस्तियां हैं, बाद में फिर मैंने देखा कि हमारे यानी बहुत से जो पीर भाई थे वो चटी शरीफ मना रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। मैं सुल्तानाबाद में एक भाई चटी शरीफ की प्रोग्राम में रात में 1 बजे महफिल होगी, बड़ी खास महफिल होती है, बड़ी खास होती है, उसके अंदर बाबा जी की झलक। कौन से बाबा जी? बाबा फरीद तो मटी धो रहे थे साहब, दाता साहब भी। और बाद में जो है इसकी तस्दीक खुद ही मुझे हुई कि जब यानी लाहौर गया एक दिन, तो दादा साहब की मजार पे गया फातिहा पढ़ने के लिए, तो फातिहा पढ़ ही रहा था कि दादा साहब जो है वो अपनी खबर से बाहर आ गए। उन्होंने देखा पता है तो वही दादा साहब जो मिट्टी डोरे। इसी तरह सरकार गौरशाही, ये झूठ है, ये फ्रॉड है कि वो सामने आ गए, क्योंकि औलिया अल्लाह किसी फासी को फाजिर और काफिर इंसान के लिए इस तरीके से जराब नहीं आया करते। ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ये साथ मातिम में एक मजलिस में जाना हुआ, वो जो मजलिस थी वो सैयदा जैनब अलैहा सलाम के जो है रोजे मुबारक पर थी। वहां जब हम गए तो इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और इमाम हसन और उनके जो बेटे कासिम और ये जितने भी बुदगुजीदा हस्तियां हैं, अहले बैत अज़ाम के जो शहजादे हैं, ये सब वहां मौजूद। और उस दरवाजे के ऊपर जो चौकीदार था वो बाबा फरीद थे। फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दीन दीन जिनके घर का हो, यानी अहले बैत तहार, और उनके दीन के साथ जो खिलवाड़ कर रहा हो, उनके दीन को बदनाम कर रहा हो, उनके दीन का नाम लेकर के जनाब ये अपनी दुकानदारियां चलाएं, उनके लिए ये हस्तियां इन लोगों को ज्यारते करवाएं, ये फ्रॉड है, झूठ है। इस झूठ के अलावा ये कुछ भी नहीं। वही जो मटीरों ने आए थे, कभी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए वहां। चलो जी, अभी बड़ी ज्यारत है इसको होनी, अल्लाह तक की ज्यारत होनी है जनाब। हज़रत खिज़र भी आ गए हैं जनाब, सुनते रहिएगा बस। कभी किसी से मुलाकात हो जाए, कभी किसी से मुलाकात हो जाए, कभी लाल शहबाज कलंदर से मुलाकात हो जाए, ठीक है, छड़ी ना कोई, कभी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात, सही है, अगर किसी से मुलाकात, टूरी जाओ, टूरी जाओ। सबसे पहले जो मुझे किसी ने कहा सरकार गौरशाही के बारे में, सरकार गौरशाही के बारे में सबसे ज्यादा जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली वो सुल्तान नखबाऊ से थी। हाँ, सुल्तान बाबू ने आके कहा कि ये यूनुस रियाज गोबरशाही जो है ना, ये इमाम मेहदी है सबसे ज्यादा, और तस्दीक कौन कर रहा है? वो यूनुस अल गोबर कर, ठीक हो। अब यहां पर अगर तो स्टोरियां माननी है भाई, माइक म्यूट रखें, माइक किसके ओपन हो रहे हैं? ओ शाहजी क्यों गुस्सा दिवा रहे हो इन्हें, सुना सुना के गुस्सा दे आ रहे हो शाहजी? बीपीआई ना करो, साडा दफा करो इन्हें, इस नु इदी दफा नहीं ना सियासा, दफा तो नहीं ना करना, दफा किया तो काम खराब हो गया, दफा तो नहीं ना करना सियासा साहब, दफा कर दिया तो फिर तो हमारे यहां पैदा होने का मकसद ही खत्म हो जाता है। अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इसी काम के लिए पैदा किया है। कुरान पाक में भी फरमाता है कि तुम्हें अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर के लिए मैंने पैदा किया है, एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ यही काम करे। ये काम तो जरूरी है, बंद तो नहीं करना, मतलब ये कि चोर चोरी करता रहे करता रहे करता रहे, नहीं जी छड्डो जी छड्डो, उसको नहीं पकड़ना, नहीं छड्डो उसको नहीं पकड़ना, क्यों ना पकड़े बस, चोर को पकड़ना जरूरी है, पकड़ेंगे नहीं वो मजीद चोरियां करते रहेगा, लोगों के घर बर्बाद करता रहेगा, लोगों के मालो मता लूटता रहेगा, उसको उसको भाई लोगों के सामने लाना, निशानदेही करना, पुलिस वालों को बताना, पुलिस वालों को जाके दलाइल देना,
कोई वीडियो रिकॉर्ड करके बताना कि देखो ये चोरी कर रहा है, ये देखो अभी वो वहां से उसने कपड़े उठाए हैं, बैग उठाया है, ये देखो ये बंदा पहचानो, ये देखो मूछे रखी हुई है मोटी मोटी, बंदा वो ही। वक्त की जरूरत है, ये छोड़ना नहीं है, छोड़ो जी छोड़ो, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ वाला चक्कर ही नहीं है। रोले ये है कि एक तरफ इन लोगों ने चैनल खोले हुए, इनके चैनल बंद हो ही नहीं रहे, हजारों की तादाद में वीडियो आ चुकी हैं, पूरे पूरे अब तो जनाब टीवी चैनल के ऊपर भी आना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ नहीं जनाब, जो ये कर रहे हैं दीन के साथ खिलवाड़ करने दी जाए, इनके बारे में इनको ना बोला जाए, नहीं ये तो ना इंसाफी है, ये बहुत बड़ी ना इंसाफी है कि एक तरफ हाथ खुले छोड़ दिए जाए, दूसरी तरफ हाथ बांध दिए जाए और उसको बोलने पर भी उसकी पाबंदी लगा दी जाए, उसके चैनल पर स्ट्राइक भेज के उसके चैनल को बंद कर दिया जाए, उस पर बेजा मुकदमात दर्ज करवाए जाए, उसको थाने जेल की सजा सुनाई जाए। सिर्फ ये कि बोलना नहीं, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, जुबान बंदी कर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। झूठे को झूठा कहना पड़ेगा, काफिर को काफिर कहना पड़ेगा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन कहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो काम बढ़ेगा ही, जो जो है उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी। वीडियो आगे सुन लीजिए। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, यानी कभी वो आके बताते क्या उनको पता है जनूरी क्या होता है? हाँ, ये हजरत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तानुल औलिया, वो बार बार ज्यारतें करवा रहे हैं, बल्कि ज्यारत नहीं, असली और हकीकी मुलाकातें हो रही हैं। ये जिस्मी, इसको कहते रूहानी नहीं, जिस्मी मुलाकातें हो रही हैं, फिजिकली वो आते हैं और आके मिलते हैं किसको, यूनस अल गोबर को, और आके बताते हैं कि रियाज गोबर शाही इमाम मेहदी है, वो ये बता रहे। तिफले नूरी का बताते हैं, वो कहते हैं कि जब तक तिफले नूरी की तरबियत ना हो जाए उसको तिफले नूरी कहते हैं, और जब वो तालिब के कल्ब में चला जाए फिर उसको नूरी हुजूरी कहते हैं। चलो ठीक हो गया, तिफले नूरी तिफले हुजूरी तिफले रूहानी। बहुत इन्होंने टर्म्स बनाई, इस्तलाहात अपनी अपनी वजह की, और जनाब जिनका ना ही कोई कुरान में जिक्र ना कोई हदीस में जिक्र, पता नहीं क्या क्या चीजें रगड़ दी। अगला बंदा परेशान, ये क्या हो गया, क्या हो क्या रहा है, ये बन क्या रहा है। हाँ जी, यही चीजें जब गैर मुकल्लदीन यानी मिर्जा जूनियर जेल में एंड पार्टी के हत्थे चढ़ती हैं, तो वो सिरे से ही वो फिर मजहब बेजार हो जाते हैं, दीन बेजार हो जाते, वो कहते हैं हम इन चीजों को मानते ही नहीं है, वो दीन से उनको नफरत हो जाती है, करामत मौजदे से ही नफरत हो जाती है, वो सिरे से इनकार कर देते, कहते है। वो फिर ऐसे ऐसे मैंने देखे जो इमाम मेहदी का भी इनकार कर रहे हो, कहते ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही गलत है, इमाम मेहदी वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। यही वो मजहब बेदारी है कि जो कि जवेद गांधी के अंदर वो आपने देखी होगी, वो कहता है नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं और अब नहीं किसी ईसा ने आना, ये मुसलमानों ने ऐसे ही बस झगड़ा हुआ है ये मसला। तो ये है मजहब बेजारी के, ये लोग फिर सिरे से इनकार ही कर देते हैं इन चीजों का, और ये सब ये अब इफरातो तफरीत नहीं, एतदाल, इस्लाम के अंदर एतदाल है, बहुत ज्यादा गुलब भी नहीं करना और बहुत ज्यादा इनकार भी नहीं करना, इत्तदाल, जो चीज जहां पे है वहीं पे रखनी है। हम इन चीजों को, करामात को, बुजुर्गों को, औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनके कशूफ इल्हामात को मानते हैं, लेकिन उस हद तक जितनी इजाजत हमें कुरान और हदीस देता है बस। हाँ, उन लोगों को भी हम पकड़ेंगे कि जो इन चीजों का सहारा ले करके
जनाब उन्होंने हकीकी अल्लाह के औलिया अल्लाह को बदनाम किया, हकीकी इल्हाम व कशफ को बदनाम किया, हकीकी करामत को उन्होंने बदनाम किया। हाँ उनको भी पकड़ेंगे, हमने पकड़ा, पहले भी पकड़ा, शैतानी सरकार को पकड़ा आप लोगों के सामने, इसको भी पकड़ा रियाज गोबरशाही को आप लोगों के सामने, और आज भी पकड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नूरी हुजूरी कहते हैं, नूरी नाम चाल नूरी हुजूरी, हाँ जी नूरी फतूरी हुजूरी लंगूरी और लालो लालो नूरी दे अगे जिन्ने लगते जे लफज ही लाने ना है लफ्जों के खेल खेलो, कितने खेलते हो कभी कभी मुझसे मुलाकात होती शिबार के अंदर भी आ गए तो वो ये कहते थे तुम्हारे मुर्शिद के अंदर जो सेट ऑफ लड़ाई है वो आम नहीं है। हेलो जी हेलो भाई शबाज कलंदर रहमतुल्लाही ताला अलैह, औलिया अल्लाह के अंदर जो मकाम है आपका बहुत अली मकाम है और बहुत ही अली मकाम है। बहरहाल वो तो एक अलग टॉपिक है। वो आके कह रहे शबाज कलंदर के तेरे पीर का बड़ा ही मुकाम है। बल्ले भाई बल्ले। एक यहां लतीफा सुना के मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे उस्ताद ग्रामी ने ये लतीफा सुनाया था। हमारे उस्ताद साहब ने बताया कि जनाब वो ना एक बाबा मुझे मिला बाजार के अंदर, तो उन्होंने उस टाइम वो सबज पग बांधी हुई थी इमामत, तो कहने लगे कि वो बाबा उसने मनखने टनखने तो वो छल्ले तो कड़े तो वो चर्सियों मोवालियों वाला जो होता है एक सीन वो बनाया हुआ था, तो टल भी पकड़ा टन टन करता हुआ वो आ रहा है मेरे पास, आके जोर से टल जाके ना कहता टन, कहता है वो उर्दू में उर्दू स्पीकिंग कराची की बात, कहने लगे तुम्हारा मुर्शिद बहुत मकाम वाला, वो बाबा कहने लगे मलंग तुम्हारा मुर्शिद बहुत मकामात पे मैंने उसको देखा, मैंने तेरे पीर को जन्नत के आला मकामों के अंदर देखा है बेटा, जन्नत के आला मकाम मैंने अर्शे इलाही के करीब तेरे मुर्शिद को देखा है। सुनिए कहानी सुनिएगा, मेरे उस्ताद ग्रामी का जो आगे से जवाब था वो मंतकी और वो मुदल्लल, वाह 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 मजा आ गया मुझे। तो उस्तादों ने उसकी सारी बात सुनने के बाद ना उस्ताद कहने लगे मैंने उसको सिर्फ एक बात कही कि बाबा जी आप कौन सी नुक्कड़ से देख रहे थे, मेरे पीर का तो चलो मकाम है जो है वो अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, लेकिन आप कौन सी नुक्कड़ से देख रहे थे। वो चुप हो गया, क्या बोलता, वो समझ गया कि ये बंदा आगे से खिलाड़ी है। असल कहानी क्या थी, असल कहानी ये थी कि वो जो बाबा कहानी सुना रहा था ना वो अपना मकाम बता रहा था कि मैं अर्शे इलाही तक मेरी रसाई है। हाँ वो ये है, आप समझ आइए आपको, वो वही सारी चीज आपको यहां पे मिलेगी। अपने पीर यानी रियाज गोबरशाही यानी झूठा इमाम मेहदी जो है उसके फजाइलो बरकात बताने के लिए वो अब लेके आ रहा है सारी हस्तियों को और बता रहा है, एक कहानी तरतीब दी है उसने। अगर तो ये कहानी तुमने माननी है तो चलो एक मेरी कहानी, मैं एक कहानी सुना देता हूँ, कहानी ही सुनानी है ना, मैं बताता हूं भाई हजूर गौस पाक को मैंने मुलाकात की है तो वो फरमा रहे थे कि रियाज गोबरशाही जो है ना मिर्जे कादियानी से भी बड़ा झूठा इंसान। चलो जी ये एक कहानी तुम्हारी एक कहानी मेरी, अब दलील के जरिए इसको मेरी कहानी को रद्द कर दो, तो जिस दलील के जरिए तुम मेरी कहानी को रद्द करोगे उसी दलील से मैं तुम्हारी कहानी को रद्द कर दूं, ठीक हो गया।
ये मेरी तरफ से पक्की है, बल्कि फक, तुम तो गधे इंसान हो, मेरी तरफ से ये फक कह दूंगा। अच्छा जी आगे, वो किसी में नहीं है, वो मुझ में भी नहीं है। ओए 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 शबाज़े कलंदर कहने लगे जो मकान रियाद गोबरशाही में है वो मुझ में भी नहीं है। ओए 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 ये है रोले असल में, ये अब ये इसकी करतूते देखी नहीं, जो रंडीबाजी करता रहा रूहानी सफर किताब के अंदर पढ़ के देखो, जो चरसे बंगे पीता रहा, जो पुठा कम नमाज एक नहीं इन्हें पढ़ी जमाने च, कोई रोदा रूदा तो कुछ भी नहीं ना, इस्लाम नाम की तो कोई चीज भी नहीं, करीब से भी नहीं गुजरी। तो वो शबाज़े कलंदर कह रहे तो इसका मुकाम मुझसे भी आगे है। ओए यार गैबत के बाद एक दफा लाल शाहबाज कलंदर से मुलाकात हुई। चलो मैं रो रहा था घर बैठा, तो उनसे मुलाकात हुई, वो आ गए और मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम सरकार को ढूंढ रहे हो, लाल बाग में है वो मेरे पास है। अच्छा चौधरी तेन मैं क्या सी ना फड़ी जाई लपेटी जाई हूं ताजी, इतनी लंबियां लंबियां छड़ रहा है, यकीन करो मेरे तो हाथ दुख गए ने लपेट लपेट के। यार गिच्छियां बना ना, गिच्छियां बनाई जा, रखी जा कोल। आगे दरअसल मैंने कहा कि वो मुझे तो बताया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगा। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, वो हमारे पास। अच्छा ये देखो सुनो ना कहानी सुने मतलब मोबाली की, कहने लगा शबाज कलंदर आए, उनको मैंने कहा वो तुमने देखा है कहीं पे मेरे हजूर को सरकार को, तो कहने लगा मेरे पास ये इधर ही है, फिक्र ना करो। तो आगे थे पता क्या कहता है, कहता है मैंने शबाज कलंदर को कहा तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैं भी घर बह करो ना सब यार। लख दी लानत भाई तेरे ते यार, हंसे कढ़ा चले। मैंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा वो आपके पास, तो वो आनंद फानंद लेके लाल बाग में जो चश्मे वहां चले गए और कहा कि देखो सामने खड़े। मैंने कहा कि सामने तो कोई भी नहीं, करीब गए तो वहां एक झोपड़ी थी। अच्छा। दो फीट के फासले पर जब खड़े थे तो वो नजर नहीं आ रही थी झोपड़ी, करीब गए तो वहां पर एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर जो है दाखिल हुए। अच्छा। और कहा भी यहां है सरकार तुम्हारे, मेरा झोपड़ी तो खाली है। कह रहे नहीं खाली नहीं है, तुम आगे तो जाओ। मैं दो कदम और आगे बढ़ा तो वहां चारपाई थी, पहले नजर नहीं आ रही थी। अब ये ही जब चीजें मेरे साथ हुई तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि यार ये है ईमान, कि आंखों को जो नजर आ रहा है उसको हम मान लेते हैं। अच्छा। और अगर रब ने अपने नजारे पर चादर ओढ़ ली हो तो एक फीट के फासले पर भी अगर कोई चीज हो तो वो हमें नजर नहीं आती और हम कहते हैं कि वो गैर मौजूद है। गैबत के वक्त तो मेरा जो रुझान था उसमें बड़ी शिद्दत थी, मेरी आंखों से भी शिद्दत टपकती थी, जबान से भी शिद्दत टपकती थी। मैं अगर घूर के आसमान की तरफ देखता था, घूर के अगर आसमान की तरफ देखता था तो कई किलोमीटर के फासले तक बादल चल जाते थे। उस वक्त की बात कर रहा हूं। वाह वही वाह मजा, तो चारपाई नजर आने लगी तो मैंने कहा ये तो सिर्फ चारपाई है। अच्छा। उन्होंने कहा सरकार में बैठे हुए। सही। फिर जब उन्होंने निशानदेही की तो सरकार ने बताया। तो सरकार ने फरमाया कि अब देख लिया है, अब चले जाओ, अब दोबारा नहीं बोलो, अब देख लिया है ना तो अब चले जाओ। बाकायदा यूं करके दिखाया, हाथ लगाओ यहाँ पर, यूं यूं करो, बल्कि यूं कहा वो डॉक्टर हड्डियों पर यूं यूं मारते हैं ना, तुम यहाँ हड्डी पे मार के देखो मैं ही हूँ, यूं मारो देखो मैं ही हूँ, बताना जाके कि मैं यहाँ हूँ। गिलास में पानी था, वो पानी का जो है फरमाया कि ये पानी भी पी लो। मैंने उसमें से एक घूंट पानी पिया और 1.5 साल तक भूख नहीं लगी। ओए तो ओए ओए पता होगा तुम मेरे साथ होते थे कितना खाते थे। अरे लो पता चल गया,
डेढ़ साल तक भूख नहीं लगी, कुछ नहीं खाता। सुन, इसको कहते हैं कहानी। कहानी कितने बह के कहानियां तुम लभते रहते हो। डेढ़ साल तक भूख ही नहीं लगी। सही है भाई, ठीक है। अरे यार मिर्जा जूनियर जेलमी वाले कोई आए यार, आए कोई सामने। वो कहते थे कोई अगर बाबा है आज के दौर में वो हमें दिखाओ, ये देखो मौजूद है। ओए सही हो गया भाई। आ जाओ भाई मिर्जा जूनियर जेलमी वाले, आ जाओ आ जाओ। वो छू छू वाली सरकार भी, वो भी कहती है, वो पता नहीं, वो उसने भी छोड़ी थी एक कि मैं सोया ही नहीं, पता नहीं 10 साल हो गए हैं सोता ही नहीं। मैं कि यार कोई छोटी छड़िया करो यार, कोई बंदा छड़ता है कोई लपेट नीचे तो आए लपेट ही नहीं जाती थोड़िया। साढ़े तो मुंडे थक गए ने, कश्यप कश्यप थक गया लपेट लपेट। उस्ताद जी यकीन करें मैं हाली भी लपेट रहे हैं, वो पिछली पई है बहुत सारी ऐसा। वो तो 10 साल पाई हो सुता नहीं सजे ते है अंदर पे, मैंने 1.5 साल तक भूख ही नहीं लगी। सही तो जेड़े पद मारदा रहे हैं वो कितों आंदे ने हैं, खा खा के जो हराम खा खा के तुसी है। ए बड़ा बड़ा शराबी आदमी है ते है, मैंने भूख ही नहीं लगी ते झूठे है। पेट का जहन्नुम पाल रखा है इसने उस्ताद मोहतरम, इतना बड़ा पेट है इसका, बड़ी ड्रामेबाज एटम ही है। 1.5 साल तक भूख नहीं लगी। मैंने अपनी आंखों से सैयदना गौहरशाही के शानों पर मोहरे महदियत देखी। हेलो जी, शानों के ऊपर मोहरे महदियत, लख दी लानत तेरे थे। कंधे जी ओ मोहर मोहरे नबूवत से तशबी दे रहा है तू पास। कितने इन्ह के दिल गुरदे वे ने यार, इतना झूठ बोलते इन्हों जत्ती शर्म नहीं है कोई ना, कोई शर्म होती है कोई चीज। मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत से महदियत की, पहले तो ये बताओ मुझे ये कौन सी हदीस या कुरान की आयत में है यार, इन्हों का की किया जाए। पखंडी वड्डिया वड्डिया छड़न गए जे फड़िया नहीं जांदियां। जी माजरत के साथ एक बात करना चाहता हूँ। शाह जी उन्हें कहा सी के मैं मिट्टी सुटन दिया ते फिर सरकार आ गए धोती बन के ते ओ पा के ते इट से बह गए। अज है ही पुत्र लतीफ यान दी क्लास लगी है और की इथे सारे नहीं हासे यार ने और की इथे करिए ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੀ ਮੈਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇਸ ਕੀ सरकार के जो नाखून हैं थम के, इनके ऊपर अपनी जाहिरी आंखों से एक के ऊपर आयतुल कुर्सी लिखी हुई देखी। हेलो सुन लो, दूसरी पे सूरह यासीन लिखी हुई देखी। हेलो नमी सुन लो, और नौ सी के पूरी मैं ना वो तख्ती सी सूरह यासीन पूरी भी लिखी सी। सही हो यार की नमूने जो तुसी हो नौवां दे उत्ते लिख दी माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह यार की सी यार इतनी तोहीन करते हैं, इतनी तोहीन करते हैं। अब नाखूनों के ऊपर हालांकि शरीयत का हुक्म क्या है कि भाई ऐसी कोई अंगूठी भी पहननी मना है कि जिसके ऊपर कोई आया लिखी हो, आयत लिखी हो, मना है। आप भाई उसको पहन के वॉशरूम जाते हैं या मतलब तो वो बेहुरमती होगी इस एतबार से। फिर तो
हाँ अगर बेहुर्मती का खदशा ना हो, आप उसको पहन के किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते कि जो नापाक है, नजस है, या कोई उसको पहन के कोई गंदा काम नहीं करते, तो फिर ठीक है, उसका फिर कुछ एहतियात नहीं। तो उस अंगूठी के बारे इतना हुक्म है। हाँ फिर वो शरीयत की कुछ है कि भाई अगर कोई तावीज की सूरत में अगर उसको लपेट के उसको उसको फिर मतलब तावीज बनाया जाए, वो फोल्ड हो जाए, तो वो गले में पहनने का हुक्म अलग है। अब नेल के ऊपर, नाखून के ऊपर कुरान लिखा हुआ है, तो ये कौन सी लामत कहाँ पे है कुरान दी, इसमें कहीं पे है कोई कि उसके नेलों के ऊपर वो आयतें भी लिखी होंगी? किधर से बनाते हो तुम यार, क्यों झूठ बोलते हो, फ्रडियो क्यों बदनाम करते हो? फिर ये मजहब बिजारी यहां पे ही तो आती है। ये फिर भोले भाले जो हमारे स्कूलों कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये चीजें नहीं समझ आती, और मिर्जा जूनियर जेल में जैसे उनको उस्ताद मिल जाते हैं, वो फिर आगे से मजीद उनको मजहब बेजार कर देते, वो टोटली फिर इन चीजों का इनकार कर देते। ये है इफरात तफरीत असल में। सरकार बहुशाही के घुटनों पर, इसमें जात अल्लाह खाल में खुदा हुआ जिससे नूर की शुआई निकलती। ओए ओए ओए, लख दी लानत ये भाई तेरे थे, ओए लख दी हुई लानत है तेरे। घुटने घुटने हालांकि घुटने वो चीज है कि बंदा नमाज पढ़ते हुए टेकता है या बैठते हुए टेकता है, उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, कुंदा है बकायदा, ऐसे है ना उभरा हुआ है, कहता मैंने खुद देखा, नूर निकल रहा है उसके अंदर। तो ये क्या बता रहा है? सवाल यही हुआ था, सवाल ज़हन में रखिएगा कि क्या तुमने कौन से मौजज़ात देख के रियाज गोबरशाही को इमाम मेहदी मानना है, और वो मौजज़ात बता रहा है कि ये उसके मौजज़े। ये हुआ था सवाल, आगे सुनते जाइए। सरकार के सर पे तालू पर सूरह रहमान लिखी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से देख ली उसने। तो जिस तरीके का ये गंजा है ना, तो रियाज गोबरशाही का भी गंजा था सर से, तो उसकी टेंड के ऊपर सूरह रहमान लिखी हुई इसने खुद देखी है। वादिद में और जाहिर में एक ही तरीके पर सरकार को प्रवास करते हुए, होए होए जाहर और बातन प्रवास करते हुए इसने देख लिया। प्रवास वो खोते भी बैठ के, वो बताया ना उसने रूहानी सफर किताब के अंदर स्पेशल बताया था कि मैंने जो सफर रूहानी किया खोते के ऊपर बैठ के, कह रहा जाहरी तौर पे भी बातनी तौर पे दौड़ना ही रहता सी, बस सफर ही करता रहता प्रवास रूहानी प्रवास। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सैयदना बहुशाही इमाम मेहदी है, इनका ऐलान करो। अस्तग़फिरुल्लाह, देखा जाए लपेटने वाली आ गई, मैं क्या सीन, अल्लाह तक भी जाएगा, आ गई अभी जाएगा, आगे भी बढ़ेगा। हजूर ने कहा है आके इसको उल्लू के पट्टे को, तू ऐलान कर इसका गोबरशाही का कि ये इमाम मेहदी है। ओए की कीता जाएगा, की हल की कढ़िया जाएगा, दसो। अब ये चीदा चीदा बातें, हाँ ये बातें नहीं मेरा पुत्र, क्या चीदा चीदा मौजदे हैं। दिल में नहीं गया मैं, जिनके बिना पर मेरा दिल मुतमईन हो गया कि सैयदना गौरशाही इमाम मेहदी है। मेरे लिए सरकार गौरशाही को इमाम मेहदी मानना बड़ा ही आसान था, इसलिए कि तस्दीक करने वाली हस्तियां जो हैं उन तक मेरी रसाई थी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये हक है, तो इसलिए मुझे मानने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, बड़ी आसानी से। और ये ईमान जो है मेरा कायम और दायम है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। उन मेरी भी तो मानो ना, उन मानने वाली हस्तियों ने मुझे भी तो आके बताया है, ये हजूर दाता गंजबख्श भी आए थे मेरे पास, उन्होंने भी यही बात कही, और गोस पाक भी आए,
और भी हस्तियां जिनके नाम तुमने लिए हो, सब ने आके मुझे कहा है कि रियाज गोबर शाह एक नंबर का उल्लू का पट्ठा ही मुबशर शाह ऐलान कर दे यूट्यूब ते उत्ते बह के ऐलान कर। तो चलो मेरी हूं मान लो फिर करो हूं फिर एदा भी तो कुछ करो ना। उन्होंने हस्तियां ने मैनू भी कह छे यूट्यूब से बह के ऐलान कर दो। अब ये देखो ये मत कहना मुबशर शाह तुम इल्जाम लगा रहे झूठ बोल रहे हो ये वो। हाँ जिस दलील से तुम मुझे झूठा करोगे उसी दलील से मैं तुम्हें झूठा करूंगा। दलील चाहिए मुझे इन सब चीजों की, झूठे इंसान इस ईमान पर मरने के बाद भी कायम रहूंगा और इस ईमान की वजह से अगर कोई मुझे मारना चाहेगा तो मैं उफ नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा ईमान है। हाँ कमरे जो तुसा निकलते को मारना तो किन्ने उफ नहीं करूंगा। इसने बड़ी भाई सिक्योरिटी, इसने मिर्जा जूनियर जेल में से भी ज्यादा सिक्योरिटी रखी हुई है उधर लंदन में। तो ऐसे बड़े होते हैं ये, पता नहीं ये कनाडा में है या लंदन में। हाँ तो 0044 कोड इंग्लैंड का ही है। तो उधर ये बैठे हैं ये लुक छुप के कैमरा लगा के दो बंदे, यकीन जानो तीजा बंदा नहीं है लभेगा कोई, दो बंदे गए दो बंदे कैमरा ला के रोजाना रात को अलड़ा टीवी चैनल अपनी नप के रखी ये यब 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 डेली दी। तो ये डेली यब यब करता है और इसका भाई मिर्जा जूनियर जेल में वो हफ्ते बार यब यब करता है। सब ने ड्रामे की चैनल बनाए हुए हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल, पता नहीं कि खप पाई है तरी इन्होंने। मैं किसी और को नहीं कह रहा जबरदस्ती कि तुम मानो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं और मैं क्यों तस्लीम करता हूं उसका मैंने बता दिया है। आपको क्या लगता है आप खुद तहकीक करें। हां खुद करो, असी दावा करना सी कर छड़े हैं, दलील आप ही तुसी आप ही करो। यही तरीका होता है, मतलब दावे कर देते हैं ये लोग, कहते दलीलें आप खुद ही तलाश करो खुद ही करो। वैसे तो मुसलमान आपका हक है ना कि इमाम मेहदी को ढूंढे, तो ढूंढे आप करें। पहले दिन का वाकया, मेरा पुत्र अभी तक वो आए नहीं तो ढूंढे कहां से है। कादियानी मरदेव भी यही कहते ढूंढने करे है, तहकी करो आप ही करो भाई। अभी तो लामते नहीं पूरी हो रही, जो अहादीस के अंदर लामते मिलती है वो तो एक अलामत अभी तक तो पता ही नहीं है कोई। अभी तो पता नहीं वो बड़ी कितनी सदियां और इंतजार का, ये तो अल्लाह को पता है। आप ही करो दावा कर छड़िया, आप ही करो तहकीक। जो मैंने जो सरकार गौरशाही की बारगाह में हाजिर हुआ, जो पहले दिन का वाकया था जब मैंने जिक्र लिया, तो मैंने जिक्र लिया तो उस वक्त जो है पहले तो सरकार ने मगरिब की नमाज जो है उसकी इमामत फरमाई। अच्छा 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 उधर इतनी टुर पिया के वो हजरत ईसा अलैहि सलाम जब नजूल करेंगे तो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। वो मैनू तो लग रहा उधर टुर पिया हूं अपने आप नू मसीह बना दे चक्कर च। ओहो हो जब मैंने जिक्र लिया था तो पहली नमाज मैंने इसके पीछे पढ़ी थी। ओए होए 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 लग रहा है मैनू ए टुर पिया मसीहियत की तरफ, ये कोई दावा है मसीहियत करेगा। हाँ 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 ठीक हो गया, यानी सरकार की इमामत में नमाज मगरिब अदा हुई और इतनी सुरीली आवाज। ओहो इतनी सुरीली आवाज, वो जो तिलावत कुरान सरकार फरमा रहे थे उसके लफ्ज यू महसूस हो रहा था कि गरम गरम नूर की तरह रूह में उतर रहे। ओहो गर्मा गर्म। कुरान सीखे चाहे सी यार की इन्हों का करिए उल्लू के पट्टिया का गर्मा गर्म तरह ताजा हो गए। कहता यार अज बेगम सर्दी बड़ी लग रही है, सर्दी बड़ी है आज, गर्मा गर्म चाय बना के दे जरा थोड़ा गर्म होना चाहते हैं। सर्दियों मैं ना उन हजूर की तलावत ही सुनने बंदा
चाहे पीन की फिर कोई लौट तो डर रही अगे जनाब। और वही सरकार ने यही तिलावत फरमाई आयत नमाज में इजा जा नसरुल्लाह वल फतह वराइत الناس يدخلون في دين الله افواج, ये वाली है। तो सरकार के साथ जो है वो यानी सरकार की इमामत में नमाज अदा हुई उसी में काम हो गया था, क्योंकि मैं देखता था कि सरकार खड़े हुए हैं और सरकार सजदे में भी है। मैं सजदे में जाके यूं देखता रहता था कि सरकार खड़े हो गए हैं या नहीं। मैं मेरा ये और यार की किता जाए सरकार खलोते भी होते भाई मैं इंतजार में रहता था कब सरकार खड़े होते ओहो वाह 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 अच्छा इंतजार में रहता था ये वो इसे प्यार कर रहा है ये सरकार के खिलार रहा है उनको खड़े हो गए सरकार अब खलो गए ना सरकार सरकार के खड़े होने का होता जी हाँ जी इंतजार रहता था इसको तब सरकार खड़े होते हैं खड़े होते हैं शाहजी कदी कदी सरकार नू खड़ा भी करना पैंदा सी नहीं नहीं सरकार खड़े होते थे ता ही ते मैं नवा शाहजी जी जी शाहजी ओनू इट तो उठा लो ताड़ी मेहरबानी ओनू बहन दियो ते बहन दा वक्त है सरकार दी जदों खलो गए ने शाहजी उन्होंने मिट्टी उत्ते पाती आ ताड़ी मेहरबानी उन्हें उठा लो उन्हें हाथ हुथ भी तो नहीं नहीं पुत्र उधर उड़ी तो बैठ दा वक्त है तो यार तुसी ये जड़े निके मौलवी हो ना ये तनु जल्दी बड़ी हुंदी है बैन ते दियो नहीं बह गया बिठाना नहीं सरकार खिलार के रखो अच्छा जी अगे जी चल ताकि ये जो है बेद भी होगी बेद भी मैं पहले खड़ा हो जाऊं शाहजी एक एक छोटी चीज शाह जी माजरत ना एक चीज नोट की थी ना कोई कलमा ना कलाम ना दीन ना सलाम कोई अल्लाह तो वानी ने पढ़ी सिर्फ कहानी सुनाई जा रहा बक 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 या भी बस कुछ भी नहीं है कख नहीं ये उसके मौजदात बता रहे जी ये मौजदे हैं उसके सुनते रहिए वीडियो अब खत्म होने वाली है 22-23 मिनट की वीडियो हो गई है पीछे 4 मिनट तकरीबन 3 मिनट रह गए और सरकार जो है उस सजदे की हालत में ही है तुम्हें खड़ा ही हो रहा लेकिन सरकार सजदे की हालत के अलावा खड़े हो भी चुके हैं यानी ऐसी ऐसी चीजें जो है पहले दिन फिर जिक्र मुझे अभी भी याद है कैसे आए तो मैंने कहा कि सरकार ये बंदा मुझे लाया उसकी तरफ इशारा करके ये मुझे लेके आया तो उसने कहा कि सरकार जिक्र करिए अच्छा चलो आगे आ जाओ आगे बंद करो धीरे धीरे पढ़ो अल्लाह 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 कहना जो है खत्म नहीं हुआ तो जिक्र जारी हो अब यहां सरकार से मुलाकात के बाद जब वहां से घर गया तो हमारा जो घर है वो पुराने गोनीमाल से तकरीबन कम बेश एक माइल होगा बस तो पैदल अब मैं जा रहा हूं लानतुल्लाह अलल काज़िबीन झूठों पर अल्लाह की लानत ये कह के कह रहा हूं अब मैं जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि मस्जिद नबवी मेरे साथ साथ जा रही है चल रही लख दी यही लानत है लख दी लानत लख दी लानत और उसके बाद जो है मैं मस्जिद नबी में दाखिल हो गया चल रहा हूं मैं अब मुझे लग रहा है कि मैं मस्जिद नबी में चल रहा हूं अंदर दाखिल हुआ तो वो मेहराबे हैं मुख्तलिफ वहां पर अल्लाह लिखा हुआ है एक जगह मोहम्मद लिखा हुआ था गोल्ड प्लेट्स में दीवारों में लिखा हुआ था तो सबसे पहले मैंने देखा कि वो जो लफ्ज मोहम्मद की गोल्ड प्लेट दीवार में लगी हुई है मस्जिद नबवी में वो हिली और उससे सुनहरे नूर की शुआएं निकली और काफी देर तक मेरे सीने में वो शुआएं आती रही उसके बाद दूसरी प्लेट जो थी उस पर लिखा हुआ था अली ये असल में ना वो अपनी फजीलतें बता रहा है वो जिस तरीके से बाबा बता रहा था ना हमारे उस्ताद साहब को कि तेरे पीर का मकाम मैंने अर्शे इलाही के पास देखा है खड़े हो गए ये सब मैं अपने फजाइल बता रहा है मुझे लग रहा है इसकी इसने ये जो कहा है ना मैंने अपनी पहली नमाज
गोबरशाही के पीछे पड़ी थी, तो मुझे लग रहा है ये बंदा आगे जाके कोई मसीहियत का दावा करेगा, मुझे लग रहा है इसकी इस ट्यून से, या कर भी दिया हो मुझे तो नहीं पता। अभी इसकी वीडियोस तो मैंने नहीं देखी, हालिया वीडियोस, वो तो देखे तो बंदा पता चले क्या क्या बकवास ये लोग कर रहे हैं। वो हिली, फिर उसमें से नूर की शोएं आना शुरू हो गई और वो सीने में वो शोएं आती रही, और उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि ज्यादा ऐसा नहीं गुजरा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और उसके बाद हुजूर की इतनी ज़ियारतें हुई मुझे गिनती भी नहीं पता। सही हो कभी। अच्छा ज़ियारत ना इन्होंने अग्गे रखी हुंदी जे भाई, ज़ियारत ते अग्गे रखी है वो तज़किरा जो किताब है ना मिर्ज़े सीनियर की, तो उसने भी सबसे पहले जब दुकान खोली थी ना तो उसने अपनी पहली वही ये लिखी है, पहली वही सफा एक के ऊपर उसने लिखा मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई, हुजूर की ज़ियारत इन्होंने अग्गे रखी है, ये मेरे हुजूर की ज़ियारत जो है ना ये एक ऐसी चीज है, ये कोई खाला जी का कार नहीं है। हुजूर ने तो फरमान है कि जिसने मुझे देखा तो मुझे ही देखा, शैतान मेरी शक्ल में मुतशक्ल नहीं हो सकता, वो हक है, हुजूर की ज़ियारत हक है, लेकिन ये इतनी जल्दी होता नहीं है। इसके लिए तो जनाब बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल तरसते मर गए, गौस कुतुब अब्दाल जिनको ज़ियारत नहीं हुई नसीब, जिंदगियां उजड़ गई, ज़ियारत नसीब नहीं हुई। जिनकी जिंदगी ऐसी साफ सुथरी के रत्ती बराबर भी तुम्हें मैल नजर नहीं आता, जो के साहबे तरतीब बुजुर्ग थे, साहबे तरतीब उसको कहते हैं कि जब से वो बुजुर्ग बालिग हुए थे उसके बाद उनकी एक नमाज भी कजा नहीं हुई, हर नमाज बाजमात पढ़ी है, सफ़े सफ़े अव्वल में तकबीर औला के साथ, जिंदगियां गुजर गई, शर्म शर्मो हया के ऐसे पैकर कि अपनी जोजा के अलावा कभी किसी गैर महरम को पता ही नहीं उनको कि कोई होती भी है कि नहीं। तुम लोग वो जो सारे रंडीबाजी तुम करो, शराब नोशियां तुम करो, फीम भंग गर्दा चरस के तुम पुजारी, रोजाना बिस्तर के ऊपर एक नई रंडी को लेके आओ, जो कुत्ता काम तुम लोग करो और इस तरह की बातें करो, बातें समझ में आने वाली नहीं, और शर्म नाम की चीज वो तुम्हें है ही नहीं। ख्वाब में कभी गुनूदगी में कभी मुराकबे में और बहुत दफा जाहिर, हेलो जी जाहरी तौर पे जी बहुत दफा जी, ख्वाबों की बातें दूर रह गई हैं, जाहरी हुजूर की ज़ियारत हो रही है, किसको इस मवाली को, वो असल में मैंने पहले आपको बताया था ना ये अपने फजाइल बता रहा है, ये यूनस रियाज गोबरशाही से भी इसको कोई लेना देना नहीं, अभी अपनी दुकान लग खोल के बैठ के मुझे लग रहा है भाई कि ये मसीहियत के चक्कर में है, ये मसीह बनने के चक्कर में है कि मैं हूं असल में मसीह इब्ने मरियम, हाँ ये अपने फजाइल। हालांकि सवाल तू इसे जब रियाज गोबरशाही का हुआ था तू उसके मौजजात बयान करना, सवाल तो उसका हुआ था कि भाई उसके मौजजात कौन कौन से हैं, तो तू वो बयान कर, तूने अपनी इधर शुरू कर दे मैं भी हाँ जी ये वो ड्रामा शुरू हो गया, कहानी शुरू हो गई, फजीलते अपनी फजीलते, ये करामतें ये मौजजात ये करम नवाजियां सरकार गौहरशाही से मंसूब, ये सिर्फ हाँ वो कहता है मुझे मुझ पर ये जो मेरे मौजजात हैं ये सारे मंसूब हैं रियाज गोबरशाही से, सुन लिया सब बहन भाई आपस में मिली जुली पका के खाते हैं, ये फकत इस्लाम की बदनामी
कुछ भी नहीं इनके पेश नजर कि इस्लाम को बदनाम करना है। कभी अपने आप को टोटली इस्लाम से अलग करके कि हम एक्स मुस्लिम हैं और हम क्रिश्चियन हैं या कोई और किसी मजहब के हैं, या इस्लाम के अंदर रह के इस्लाम का लिबादा ओढ़ के इस्लाम को बदनाम करना, ये वो लोग हैं, वो तबके हैं। होते ये खुद इस मजहब बेजार लोग होते हैं, एथियस्ट, दहरिये, मुलहिद, इस टाइप के, इस किस्म के लोग होते हैं, लेकिन लोगों को ये बावर को छोड़ करवाते हैं। ये असल इन लोगों की कहानी आपका ही खासा है। खासतौर पर वो जो प्लेटें थी गोल्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, वो हिली और नूर की शुआएं आई और फिर मौला अली के नाम की प्लेट हिली, तो इससे पता चलता है कि वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से भी फैज हुआ और मौला अली से भी फैज हुआ। लख दियो लानत है भाई तोड़े। अभी कर ले लेते हैं हम काशिप चौधरी, आप स्ट्रीम आगे लेके बढ़ सकते हैं और मौजू यही है हमारा इमाम महदी, ठीक है। यहाँ पर जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये महदियत के झूठे दावेदारान की ये पोस्ट मैंने बनाई थी बड़े अरसे पहले, यहाँ पे मिर्जा कादियानी को दिखाया गया है, गोबरशाही को दिखाया गया है और महदी सुडानी को दिखाया गया। सवाल ये है कि ये तीनों ही महदियत के दावेदारान है, इनमें से सच्चा कौन सा है? और ये हमें मुसलमान नहीं बताएंगे, ये बताएंगे महदी सुडानी के मुरीदीन, गोबरशाही के मुरीदीन और मिर्जा सीनियर के फॉलोअर्स, ये बताएंगे हमें, मुसलमानों से ये सवाल नहीं है मेरा। ठीक है जी काशिप भाई, स्ट्रीम लें। जी जजाक अल्लाह उस्ताद मुत्रम, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कशु भाई आप जारी रखें क्योंकि मैंने कम से कम 15-20 मिनट लेने हैं इस मौजू पे, इसकी जो है ना सही तरह लतरोल करनी है इनकी, इनके बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है, फिर मैं बाद में इंशाल्लाह एंड पे जो है ना करूंगा बात इनका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इस्लाम उल्लाह भाई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है इस्लामुल्लाह भाई। जी शुक्रिया। अच्छा काशिफ भाई मेरा एक सवाल है यहाँ कि जिस सवारी के ऊपर इसके वो जो गोबरशाही ने सफर किया था, इनका रूहानी सफर, वो जिन मंजिलों के ऊपर ठहरती थी वहाँ वो ये लोग हैंड ब्रेक भी उस सवारी की खींचा करते थे, एक। दूसरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब को जब रूहानी मामला उनके साथ हुआ तो उनको 16 दिन तक ब्लीडिंग नहीं बंद हुई, इनकी 18 माह तक भूख बंद हो गई, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा फिर ये गोबरशाही का जो शागिर्द है यूनस, ये कह रहा है कि मैंने पहली मरतबा देखा जब मैं हाई स्कूल में था, तकरीबन 8-9 साल की उम्र में बंदा हाई स्कूल चला जाता, 10 साल की उम्र में चला जाता है, 16-17 साल की उम्र तक फारिग हो जाता हाई स्कूल से, तो उन वक्तों में तो ये कैसे कह रहा है कि मैंने वो देखी उनकी जो इमामत की जो मोहर है, क्योंकि इसका तो मुंह नीचे होता था, चेहरा इसका तो ये तो नीचे था, इसने कैसे वो देख ली? ठीक है तो अगर ये नीचे था तब इसने मोहर कैसे देख ली, तो ये अगर ऊपर था तो ये तो काजी यार हुआ ना फिर इमाम मेहंदी साहब का, उनका रियाज साहब का ये काजी यार हुआ, करीबी हुआ ना इसका। और भी कुछ सवालात हैं तो वो बाद में मैं साथ साथ करता हूँ, अगर किसी के पास ये जवाबात हैं तो ब्राय करम अनायत फरमा दीजिए, शुक्रिया। इस्लामुल्लाह भाई आपने ये जितने सवालात किए हैं ये इस्तारे के रंग में किए हैं? नहीं ये इनकी बात साफ, मतलब कि इनकी जो तालीमात हैं इनकी जबानी जो है जी, मुझे 1.5 साल तक भूख नहीं लगी, वो रूहानी भूख जो है इनकी, तो वो मिर्जा साहब के साथ भी तो इसी तरह का वाक्या हुआ था ना, वो तो 16 दिन तक ब्लीडिंग उनका खून बंद नहीं हुआ,
तो इनको जो अच्छा पानी यहाँ, मिला उससे 1.5 साल भूख नहीं लगी इसको। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज और भी कंफर्म करना चाहूंगा, जितना मजलूम बनके आप आम आवाम के सामने आएंगे ना, जितना मजलूम बनेंगे आप और जितनी लंबी लंबी आप छोड़ने के माहिर होंगे, यकीन करें कि आजकल के दौर में आम आवाम उसको जल्दी पिक करेंगे और आपको उतना ही सच्चा मानेंगे। आजकल के पुरफितन दौर में जो बंदा बेहतरीन तरीके से संवार के झूठ बोल लेता है, आम आवाम जो इतनी चालाक होशियार नहीं होती कि वो महसूस कर सके कि झूठ बोल रहा है, वो उसको यकीन करे अपना पीर मान लेते हैं, उसकी बात पे एतबार करना शुरू कर देते हैं। इसमें कसूरवार मैं कहता हूं कि हम खुद भी हैं और हम इतनी चालाकी की तरफ या अपने साथ होने वाले ऐसे काम जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं लेकिन सामने नजर आता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, हम खुद उनको जांच नहीं कर सकते, जज उसको नहीं कर सकते। जजाकल्ला इस्लामुल्ला भाई, आपकी एक बात इस तारे के रंग में है, मैं किसी और साथी की बात के बाद आपको जो है वो बताता हूँ कि मैंने इस तारे के रंग में क्यों कहा इसको। अच्छा हमारे साथ मौजूद हैं इरफान असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब, आज की स्ट्रीम के बारे में क्या कहेंगे आप? जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन आप यकीन करें इस टाइम मेरा बेटा सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, उस मेरे बेटे ने बोला कि पापा आज आपको ऐसी बात ना करना, ये ना कुछ कुछ लोग बोलेंगे आप अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं ये वो, बस सिर्फ आप यकीन करें मेरे बेटे ने मुझे भी थोड़ा सा हल्का सा कुछ थोड़ा उसके साथ मेरा ज्यादा फ्रेंकनेस है, हल्का सा डांट के बोला पापा आपको कसम है आप ज्यादा बात मत करना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशारा देता जाऊंगा सर कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा इतकाफ बैठा हूँ, ठीक है सिर्फ एक दफा, तो जो 10 दिन के लिए बैठा जाता है, तो इनका ये गोरशाहियों का एक बंदा था, तो वो हमारे 5-6 जो लड़के हम लोग बैठे हुए थे तो वो भी साथ था, तो आप सोचें कि क्या कुछ बातचीत हुई होगी और वो क्या माहौल होगा, वो 10 दिन हमने किस तरह बर्दाश्त किया और ये वो, तो चलें वो एक अलग बात है, लेकिन इनका जो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये इरफान नाम की आई डी के यानी कि कुछ थोड़ा बहुत भी कोई इसके अंदर ईमान की रमक है या कुछ सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इस अगले जुमले में सब कुछ वाजह हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ इन गौर शाहियों को मेरी इस बात को गलत साबित कर दें, मुझे बाहर वाला को ये जो यूनुस गौर है उसके बारे में तो मुफ्ती साहब ने बहुत कुछ बताया, तो मुफ्ती साहब ने यह भी बिल्कुल सही इंकशाफ किया कि इनके 2 ग्रुप हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रावलपिंडी इस्लामाबाद और ये आसपास के इलाकों में पंजाब में इनका तरीका वारदात सिर्फ एक ही तरीका है वारदात है जिससे ये लोग लूटते हैं, और वो चालबाजियां 2 हैं, एक तो ये देखते हैं कि इस तरह कम पढ़ा लिखा आदमी हो, ठीक है ना, जिस तरह कोई बंदा या कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो बच्चे जो है वो लाडले होते हैं तो माँ बाप कहते हैं ठीक है तू पढ़ना नहीं है तो कोई काम शाम शुरू कर दे, गाड़ियों का काम सीख ले, ये कर ले वो कर ले, तो यानी कि उसको तो ज़ाहिर कुछ पता तो होता नहीं, तो यानी कि ये उसको महफिल मिलाद आएंगे फानी जगह पर, आप महफिल मिलाद है आप आए, लंगर का एहतमाम होगा, प्यारे नबी का मिलाद होगा, तो हल्का सा भांप लेते हैं कि यार ये मिलाद वाला है यार रसूलुल्लाह बोलने वाला है, यानी थोड़ा बहुत उसको पता ही नहीं चलने देते, ऐसा ऐसा वो महफिल मिलाद, क्योंकि इनकी जो है ना वो पूरा एक हफ्ते का शेड्यूल होता है, ये लोग महफिल मिलाद मुनक्कद करते हैं, तो जितने भी लोग इनके झांसों में आते हैं ना जिनको कुछ पता नहीं, वो अल्लाह ताला का प्यारे नबी का नाम लेने वाले जो मिलाद में सच्चे दिल से जाते हैं, आकल इस्लाम के सत्य अल्लाह की हिकमत ऐसी कि उनकी आंखें अल्लाह ताला खोल ही देता है, ठीक है ना, जिन पे वो मुफ्ती साहब कहते हैं ना जिन पे मोर लगी हुई है उन पे तो लगी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला जिनको बचाना चाहे प्यारे नबी के सत्य अल्लाह ताला बचा लेता है, लेकिन तरीके वारदात शेयर कर रहा हूँ सर, वो आम आदमी महफिल मिलाद में जाता है 2-4 नातें होती हैं, दुरूद सलाम भी होता है, लेकिन ये जो प्यारे नबी की नातखानी और दुरूद सलाम ये 100 में से सिर्फ यानी कि आप देखें यानी कि अगर 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 10 मिनट सर सिर्फ 10 मिनट देखें आपने वो करें और 50 मिनट ये गौर शाही के कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और वो बेचारा कोई सादा आदमी वो कहता है कि यार बड़े नेक लोग हैं महफिल मिलाद मना रहे हैं दुरूद और सलाम भी हुआ और ये वो, उसको पता ही नहीं होता। अच्छा मजे की बात, कई नौजवान लड़कों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये गौर शाही है कौन है, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादातर उसके नाम से सरकार 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 यानी कि उसको लोग यानी कि सरकार गौर शाही एक आम लड़के को क्या पता,
तो इस तरह से थोड़ा ज्यादा बोल गया। इनकी तरीके वारदात ये है कि आम लड़कों को जो ये पाकिस्तान वाला जो ग्रुप है इनका, ये महफिल मिलाद के नाम से यानी कि वो लूट खसूट करते हैं। प्लीज सर आप लोग अपनी बात जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पर ये नमूना देख लें, जिस तरीके से कादियानी मर्दियों के मुख्तलिफ फिरके बन चुके हैं, मुख्तलिफ फिरके और ग्रोह, इस तरीके से गोबर शाहियों के भी मुख्तलिफ फिरके और ग्रोह बन चुके हैं। इनके ग्रोहों और फिरकों के अंदर एक नाम है सूफी अनवर अली। ये सूफी अनवर अली आस्ताना चला रहा है जिसका नाम उसने रखा है आस्ताना नूरे ईमान। ठीक है जनाब। तो ये आस्ताना नूरे ईमान का मुतवल्ली और वडेरा जो भी इसको कह लें बाबा जी सूफी अनवर अनवर साहब, तो जरा सुनिए जनाब इनकी भी जरा सुन लें क्या फरमाते हैं। इतने बड़े फलानों का मालिक है मुझे दे दे 10-30 करोड़ रुपए तेरा क्या जाएगा? ये कन्वर्सेशन अल्लाह आज के इंसान जो अपने आप को बहुत बड़ा नेकोकार समझता है उसकी कन्वर्सेशन ये है अल्लाह से। इतने बड़े बड़े खजानों का मालिक है, सारे खजानों का जमीन आसमानों के सारे खजानों का तू मालिक है, दे दे 10-20 करोड़ तेरा तेरा क्या जाएगा? ये बातें कर ये दुआएं। ये वीडियो मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगा, ये वीडियो थी असल में जो दिखानी थी। ये वीडियो असल में 21 मिनट की है, मैं इब्तदा से ही आपको थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। अच्छा जी, ये इन्हीं का अहमद भाई का सवाल है क्या? इमाम मेहंदी अली सलाम सैयदों में से होंगे या उम्मतियों में से आएंगे? और क्या कोई ये दुआ कर सकता है कि इमाम मेहंदी अली सलाम मेरी नस्ल से हों? इमाम मेहंदी अली सलाम मेरी नस्ल से हों। ये लाहौर से अहमद साहब का ही है ना? अच्छा अच्छा जी, अहमद भाई इसका जरा सा बता दें कि ये मामला दुआओं वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने बहुत से फैसले हैं जो अजल में अल्लाह पाक ने कर लिए थे और ये उसके अटल फैसले हैं। ये किसी की दुआओं से नहीं होता मामला कि कोई दुआ करे मेरी नस्ल या मेरी औलाद से इमाम मेहंदी अली सलाम, ऐसा नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है। नस्ल सादात औलाद फातिमा से औलाद फातिमा से यानी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी औलाद से होंगे, आपकी औलाद से होंगे, इतरात सादात से होंगे, इतरात फातिमा से होंगे। ये तो बात हो गई क्लियर। और बहुत सारा कुछ था हमने यार पिछली जो वीडियो से पहले जो आई थी 20-22 दिन में उसमें ये क्लियर कर दिया था हमने कि इमाम मेहंदी अली सलाम सरकार सैयदना रियाज अहमद गौर शाही मध्य जिला मुर्शिदों का मुर्शिद सरकार सैयदना रियाज अहमद गौर शाही इमाम मेहंदी अली सलाम। बहुत से लोगों की समझ में तो बात आई और बहुत से लोगों की समझ में बात नहीं आई, जिसका बड़ा बड़ा अफसोस भी है दिल में हमारे, बहुत अफसोस भी है। एक दफा हमसे पूछते तो सही। जी सूफी साहब पूछा तो है, आ जाए बताएं, एक दफा पूछते तो सही, एक दफा थोड़ी पूछे, यानी मैंने अपनी लाइफ के अंदर तो शायद हजारों दफा पूछा है, कभी बताया ही नहीं किसी ने। हमारे पुराने चैनल के ऊपर एक आध मुरीद आया था यूनस अल गोबर का, रियाज गोबर शाही का, तो उसने भी नहीं हमें बताया, कुछ भी नहीं बताया, बस यब 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 करके निकल जाते हैं। जवाब तो होता कौन, एक दफा पूछते तो सही हमसे, तो बताओ जी आओ समझाओ। अभी तुम कह रहे हो जी इमाम मेहदी जो होंगे वो सादात में से होंगे, तो क्या ये जनाब सैयद था? दूसरी बात, वो फातिमी सैयद होंगे तो क्या ये फातिमी सैयद था? फिर सैकड़ों अलामात और निशानियां अहादीस के अंदर इमाम मेहदी की पाई जाती हैं, क्या वो रियाज गोबर शाही के अंदर पाई जाती हैं? उल्टी जानब ये कि कुरान और हदीस के बिल्कुल मुखालफ उसका कौल और फेल था, अल्लाह ने जिन चीजों का हुक्म दिया उसमें से एक भी उसने नहीं किया, एक भी, कोई एक चीज भी शरीयत की उसने नहीं की। हमसे पूछते तो सही, पूछ तो रहे हैं, बताओ आ जाओ।
अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, अभी कोई आ जाए, ये देखो ये लिंक मैं बार बार शेयर कर रहा हूं, दोबारा कर दी है, आ जाओ कर लो कॉल, लाइव कॉल करो। एक दफा हमसे पूछते तो सही है शाह साहब, इसके बारे में थोड़ी सी और हम चाहते हैं कि आप और वजह कर। अच्छा रोल है ये कि ये ना शाह बन जाते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, शाह बन जाते हैं जी, शाह साहब बन जाते हैं, ये असल में इनका बड़ा ड्रामा है शाह साहब। शाह साहब कर करके ना जी, जो दीन का बेड़ा गर्क, जो मतलब पुठे काम, पुठे अकीदे, कोई यार को बंदे दे पुत्रां ले काम करो कोई तुसी। शाह साहब एक दफा पूछते तो सही कि गोबर शाही इमामदी है भी कि नहीं, तो बताओ ना, आ जाओ बता दो, करो काल। तमाम वलियों और फकीरों को अल्लाह पाक ने, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के फकीर हैं, अल्लाह के आशिक हैं, तमाम को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का चेहरा अल्लाह ने दिखा दिया। ये है तुम्हारा मेहदी। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हम 25 साल से इमाम मेहदी का दीदार करते हैं, 25 साल से, ठीक है, और 34 साल की अपनी रूहानी जिंदगी दांव पे लगाने। हेलो जी, खुद ही दावे, खुद ही दलाइल, दावा भी खुद, दलील भी खुद, तो वो कुरान दी इससे कोई नहीं, मतलब गल्ला बातें, गप्पा गप्पा मार मार के। पहली गप इसने ये मारी कि तमाम औलिया अल्लाह को अल्लाह जो है ना वो इमाम मेहदी का चेहरा दिखा देता है। दूसरी गप ये ठोक दी कि मैं चूंकि अल्लाह का वली हूं और मुझे भी रियाज गोबर शाही का चेहरा दिखा दिया। लो सुन लो जनाब, ये है दलील, दावा भी खुद, दलील भी खुद ही, ते अपनी गप्पा, ये जितने मजाहब खड़े हैं ना, ये इन चीजों पर, इन बुनियादों पे खड़े हैं, गप्पा मार मार के वड्डियां वड्डियां छड़ देने, कोई एक भी यानी सबूत दलील कुछ भी नहीं। तैयार है अगर एक लफ्ज हमारी ज़बान से छूटा निकल जाए। आहा, ये कहा था, और ये भी कहा था हमने कि आप लोग अगर इकरार ना करें, आप लोग अगर इकरार नहीं करते तो इनकार भी ना करें, इंतजार कर लें, इंतजार कर लें, जो हक है वो तो सामने आके रहेगा। हाँ, ये ड्रामा आ गया सामने, ये है ड्रामा के मिर्जा जूनियर जेलमी को हम जब कहते हैं ना ये फ्रॉडी है, तो उसके फॉलोवर कहते हैं हो सकता है वो सच्चा हो, इंतजार कर ले। कादियानी को, मिर्जे कादियानी को जब कहते हैं ना हम फ्रॉडी है, तो उसके फॉलोवर आके कहते हैं हो सकता है वो सच्चा हो, इंतजार कर ले थोड़ा सा। ये होता है इनका ड्रामा, सुन लिया आपने, इंतजार कर ले, हो सकता है वो सच्चा हो, तो सामने आ गया, ठीक है। कभी भी आज तक आपको ये कोई एक एक दो लाइन होगा, एक सबूत लाके आप दिखा दें, वसल हो गया ना, ये कैसे इमाम मेहदी हो सकते हैं, इसको देखते हैं जो सामने आता है, ये नहीं जानते कि कितने पर्दों में अपने आप को आज भी छुपा रखा है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने, हम सच बता रहे हैं। ओ केड़े पर्दे हो मजनू मजूरे, पर्दों में केड़े पर्दे, पर्दे तो सारे उन्हें ला छड़े सन, हैं अंदर पर्दों में छुपा के रख लिया, केड़े पर्दे च लकाया, सानू भी तो दसो ना, पता भी तो चले ना यार, गप्पा मारी जांदे हो, फिर कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, गप्पा गप्पा ते गप्पा, बस गप्पा। असल जाओ अशम, जो बात मेरे पे इमाम मेहदी अली सलाम का, क्या बात, जो जाओ अशम वो चल गए, इसलिए कहते हैं हमारा कोई नुकसान नहीं, हमारा कोई नफा, आप मान लेंगे तो हमें क्या दे देंगे, और आप नहीं मानेंगे तो हमारा क्या ले लेंगे, रोजी रोटी का हिसाब था, अपने यूट्यूब चैनल चलाए ने, और की है जरूरत, क्या है जरूरत है यूट्यूब की अर्निंग, जरूरत है दुकान, जरूरत है शोहरत, जरूरत है पैसा, रंडीबाजी, शराब नोशी, ये जरूरत है, और कौन सी जरूरत है जी। जी काशिप भाई आप बात कर सकते हैं। एक जमाने में बसों के अड्डों पर मदारी लगा करती थी, यकीन करें इस बाबे को देख के मुझे मदारी याद आ गया। अच्छा वो जो पीछे बोल रहा था ना हक हक, उसको ना 3 प्लेट चावल मिल गए आज देग में से, तो वो ये नहीं कह रहा हक हक, आवाज ऐसी आ रही है, वो डकार ले रहा है कि मैं 3 प्लेटा खा लिया ना, हजम नहीं हो रही है।
बाबा जी की अपनी हालत देखें और बाबा जी लोगों का ईमान खराब कर रहे हैं। ये रोले ये हो रहे हैं काशी भाई, दुकानें अलग अलग हो गई हैं, दुकानें अलग अलग हो रही हैं। अब ये क्या हो रहा है कि भाई यूनस अल गोबर ने एक दुकान अलग खोल ली है, इस सूफी ने एक दुकान अलग खोल ली है, और भी बड़े हैं। मैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला भरपूर ऑपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ, साहब का मवाद भी मेरे पास पड़ा है, वो भी लेके आऊंगा और नया मवाद भी इंशाल्लाह। तो ये दुकानें बड़ी होगी और हर एक दूसरे की टांगे खींच रहा है, वो कहते नहीं वो सही नहीं है, ये है रोले ये हो गए। कादियानियों के अंदर भी यही है, दुकानें अलग अलग, हर एक दूसरे की टांगे खींच रहा है और हर एक उसको जनाब मान रहा है इमाम मेहदी। अच्छा यहां पे थोड़ा सा फर्क है वैसे, एक कुछ इनके फिरके ऐसे बन गए हैं कि जो यूनस रियाज रियाज गोबरशाही को इमाम मेहदी मानते हैं, कुछ कहते नहीं हम इमाम मेहदी नहीं मानते बल्कि अल्लाह का वली मानते हैं, जैसे मिर्जे कादियानी के भी जो बड़े बड़े ग्रोह हैं, एक बशीरुद्दीन महमूद वाला ग्रोह और एक लोरी ग्रोह, तो बशीरे वाला जो ग्रोह है वो मिर्जे कादियानी को नबी रसूल मानता है, जबकि लोरियों का जो है वो इसको नबी रसूल नहीं मानते बल्कि मुजद्दिद मानते। तो ये असल में ये मिली जुली है ये कहानियां इनकी है ना आपस में। जी जी उस्ताद मोहतरम, फिर ऐसा ही है कि अगर इनकी, अगर हम ये समझ लें एक मिसाल के तौर पे कि ये इनकी अलग अलग दुकानें हैं और ये मसाले मसूले लगा के ऊपर लीमू निचोड़ के ये अपना अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ जरा सुनने और देखने वालों को ये भी बता दूं कि मसाले खाने के बाद पेट खराब जरूर होता है, गलत मसाला खाएंगे गलत बात सुनेंगे तो ईमान खराब होगा, गलत मसाला खाएंगे तो पेट खराब होगा, इसलिए बचे ऐसे लोगों की दुकानों पे जाने से बचे, भूसा हुआ माल सेल करते हैं ये। अब भूसे को पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल समझ गए होंगे सुनने वाले कि पुराना माल, भूसा हुआ माल, खराब माल सेल करते हैं ये। हकीकत हाल ये है कि इनके पास ना इल्म है और ना इनके पास कुछ। उस्ताद मोहतरम, मैं सब साथियों के बाद पहली वीडियो पे तबसरा करूंगा, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप उस वक्त तक साथ रहिएगा। जज़ाकअल्लाह। हमारे साथ एक आईडी है मोहम्मद नाम की, मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो बैठे हुए हैं, अगर सामने देखें तो मेरे राइट साइड पे, मेरे और बशीर खान साहब के दरमियान मोहम्मद आईडी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका पूरा नाम चूंकि शो नहीं हो रहा है इसलिए मोहम्मद ही आपको बोल रहा हूँ, एक बार और ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो मोहम्मद अली भाई हैं शायद, तो उन्होंने कहा था मैं आखिर में बात करूंगा। अच्छा वो मोहम्मद अली भाई नहीं शादी, वो मोहम्मद मोहम्मद एस एच नाम का कोई एम नहीं, आपको ही आप ही को कह रहा हूँ मोहम्मद अली भाई। चले आप बाद में कर लीजिएगा बात, मैं भूल गया था क्या बात था। जी ठीक है। अच्छा अब मौका देते हैं alislam.org ये हैं तो हमारे क्यानी भाई, लेकिन वल्लाहु आलम ये alislam.org क्यों लिख के आते हैं, चले आज पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी, कैसे हैं जमीर भाई? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का इंतहाई इंतहाई। जमीर भाई आज हमारा मौजू देखा आपने, आज उस्ताद मोहतरम जो है वो जलाल में थे तो आज उन्होंने कहा जी जरा इनकी भी गोबर शाहियों की भी जरा जो है ना थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए, लेनी तो, चाहिए, लेनी चाहिए। कहना कहना मैं यही चाह रहा था लेकिन लेकिन मैं क्लास तू कुछ और ना समझ। जी जमीर भाई क्या कहेंगे? वैसे मैं बस अपना अपना किबला शाह जी से एक सवाल करूंगा, क्या ये वो डब्बा नमा, देखे मैंने तो अपने पास एक पटोली सी रखी हुई है, देखे ना आप मदारी की बात कर रहे थे तो मदारी हमारे उदपिंडी में भी बड़े होते थे, तोता किसी ने उठाया हुआ, किसी ने कोई किताब, तो मैंने अच्छा जमीर भाई, जमीर भाई जमीर भाई माजरत माजरत, फैजाबाद ना, फैजाबाद पिंडी में, फैजाबाद ही आज से 20 साल पहले फैजाबाद एंटर होना जब आप जीटी रोड से, तो बड़ा खुला सा एक मैदान होता था, ये जो अड्डे अब बन गए ये उस वक्त नहीं होते थे।
तो ये फैजाबाद पिंडी इस्लामाबाद का एक दरमियान का पॉइंट होता था, अक्सर बसें और वैगने यहाँ आगे खड़ी होती थी, तो यहाँ भी मैंने बड़े मदारी देखे सलाजीत भाई थे जी, और लियाकत बाग में भी बहुत ज्यादा थे जी। जमीर भाई आप बात अपनी जारी रखिएगा माजरत के साथ। तो वो क्या है कि मैंने ये छोटी सी पटोली रखी हुई है, उन्होंने तो वो चले किसी ने सांप उठाया होता है, किसी ने तोता, किसी ने क्या, तो ये जो मिर्जा है ना इसके अंदर बंद है, ये दोनों मिर्जे इसके अंदर बंद है। तो जब भी कोई बात होती है ना तो फौरन मैं उसका उठाकर इधर सामने रख लेता हूँ, शायद अभी ये मुझको खोलनी पड़ेगी, ताकि जो है आदमी है ना, और हमारे आदमी ऐसे है ना, अल्लाह उनको अकल दे, देखे ना अभी ये क्या कर रहे हैं, ये वही निदा नासिर वाली बात कर रहे हैं, ये है जी, ये आपके डब्बा पी, ये मस्तानी है, मस्तानी जी है, मस्तानी साहब देख लें जी, जुल्म है जी, इंतहाई बड़ा जुल्म है। तो बात है ना कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई है उनको पता कैसे चले कि ये मर्जई है, कादियानी है, लासानी है, गोबरी है, परवेजी है, गामदी है, कोई ऐसा फार्मूला हो ना कि जो ही वो लगाए ना तो करंट का एक लाइट जल पड़े कि ये बंदा जो है ना ये खतरनाक जो है, ये खतरे की निशानी है। मर्जियों का तो हम कर लेते हैं, एक दफा एक मर्जई था मुरब्बीन का, क्या नाम है, चौधरी अकरम, उसने मुझे बड़े प्यार भरे अंदाज में फोन किया, कहता है यार ये फलां जो मसीह औरत है ये कुछ बातें कर रही है, तो अगर इसका नंबर दो तो। मैंने कहा क्यों नहीं देते, देते हैं। मैंने कहा तुम कौन हो, कहता मैं फलाओ, मैं कहा ठीक है यार, मैं कहा चलो देते। मैंने कहा पहले ऐसे करो ना, ये मिर्जा नहीं था वो जो 26 मई को मरा था लाहौर में, उस पर जरा लानत करो ना कुछ 5-7 बार, फिर आगे बात बढ़ाते हैं। वो कहता नहीं छोड़ो जी उसको, दफा करो, लानत करो उस पर, मैं ये बात करना चाहता हूं। तो ये उनका तो हमें मिनट में पता चल जाता है, लेकिन ये जो है ना ये लुटेरे, ये डब्बा पीर, ये तरह तरह के हैं, और ये गांव में जाकर लोगों को लूटते हैं, एक घर से लूटते हैं, अगला आदमी इनको रोक लेता है, वो पूछता है कि तुम किधर फिर रहे हो, फिर वो जो कुछ इन्होंने लूटा होता है ना उधर ही वो रख कर भाग जाते हैं उधर से। तो ये है कि इनका पता कैसे चले कि ये क्या बला है, और जाहिर है ये देहाती इलाकों में बहुत ज्यादा फैल गए हैं और ये बड़े बड़े ही खतरनाक है। इधर जो है ना, इधर यूरोप में का पता नहीं, लेकिन इधर नॉर्थ अमेरिका में ना हर हफ्ते, दो हफ्ते, महीने बाद एक कोई नया मसीहा बन जाता है ना, अपना एक चर्च बना लेता है छोटी सी जगह लेकर, तो लोगों को ना वो चंदा जमा करना शुरू हो जाता है। तो लेकिन हमारे यहाँ ये जो मेहदी वाला मामला चल पड़ा है ना, हर कोई कहता है मैं मेहदी हूं, मैं पीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये खत्म होना चाहिए। ये लुटेरे हैं, ये जितने भी गद्दियों पर बड़े बड़े पेटू वाले बैठे हैं ना, यकीन करें क्रेन चाहिए इनको उठाने के लिए, इतना खाते हैं ये इनसे उठा नहीं जाता। या तो अपना शाहजी के शहर के पहलवान जो है वो पूरा पूरा बकरा खा जाते हैं, वो नासर पहलवान और भोला पहलवान है जी, वो तो चलो ना वो तो खिलाड़ी है, लेकिन ये जो है ना ये डब्बा पीर, और इन्होंने अपनी तजुरियां भरी हुई है मुसलमानों को लूट लूट कर, और जब कभी बात आती है अकीदा खत्मे नबुव्वत पर, नामूसे रिसालत पर, तो ये मर जाते हैं, इनका नामो निशान ही नहीं मिलता। इनकी गाड़ियां देखे, इनके बंगले देखे, इनकी अयाशी देखे, और मुझे ये नहीं पता कि ये भी वो निदा वाला भी काम करते हैं या नहीं करते। हाँ तो ये सूरत हाल है, कुछ कुछ इनका फार्मूला होना चाहिए, हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। जमीर भाई कौन सा यही फार्मूला, छित्र मारो बस, एंजी जिंज बैठे हैं असि, छित्र जिथे लभन बस स्ट्रीमा करो भाई। यूट्यूब का रास्ता इन लोगों ने इख्तियार किया है ना, यूट्यूब पे बैठ के ये यूट्यूबर है असल में, रोजी रोटी के रोले पड़े हैं, तो इनकी दुकानें बंद करो बस, तुम भी चैनल खोलो, अपने अपने चैनल खोलो बस, इनको छित्र परेड करो बस, इतना ही है कोई रास्ता। कई दफा तो ये रास्ता आप लोगों को बताया है मैंने, अमल तो अब आप लोगों ने करना है ना, मैंने तो नहीं करना, मैं तो कर ही रहा हूं जितनी मेरी हैसियत है, जितना मेरा हिसाब किताब है बस, छित्र पोला करो और की है, कुछ भी नहीं। अच्छा तो मुफ्ती साहब आप ये हुक्म देते हैं कि जितने भी अपने मुसलमानों के चैनल से एक दूसरे की वो वीडियो लगा सकते हैं, कोई इन पर स्ट्राइक नहीं करेगा? यार जमीर साहब ये काम है आसान काम ना, बड़ी जल्दी लभदे हो तुसी मुसलमान ना, कि जब वेलियां ही बस खाइए
मतलब है कि कम ना करना पवे, अगले दी मेहनत उत्ते जाके बह जाओ। ये काशफ चौधरी भी है कभी इन्हें कभी कोई काम किसी का कोई अपना कभी नहीं कोई किया, दूजिया दी वीडियो अपलोड करी जांदा है। अब मैंने तो इसकी इजाजत दी हुई है, मेरी तरफ से तो इजाजत है। सवाल यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने भी कुछ करना है कि नहीं, अपनी स्ट्रीमें करना है जी। अपना अब वो सारा है, वो लड़की है वो बेचारी, वो बस वो अकेली लगी हुई थी, अकेली, कोई उसको नहीं सुनता बेचारी को, लेकिन नहीं, अब उसका जज्बा जुनून है लगी होती है। ये है असल में काम करने वाले काम, भाई कोई ना सुने कोई मसला नहीं, ना सुने, अपना काम करो, अपना अपना काम करो। अगर चे बुत है जमात की या सतीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, अपना अपना काम करो बस। तो मतलब यार तुमने चैनल भी बनाया, वक्त भी देते हो, इंटरनेट भी यूज करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों का अपना कोई काम नहीं सामने आ रहा। और देखें वो इस्लाम दुश्मन अनासर ने कितने चैनल बना के लाइन लगा दिए, मिर्जा जूनियर जेलमी ने बनाए चैनल, कितने उसने बना दिए, वो कहता है मेरा कोई 1000 से ज्यादा चैनल है मेरा, वो लगे हुए हैं। अब देखें तो भाई आप लोगों को भी मतलब उनके 1000 चैनल के मद्दे मुकाबल आपका भी 1000 चैनल होना चाहिए। जी 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 दुरुस्त फरमाया आपने। तो मैं अपना चौधरी भाई से कहूंगा कि हमारे अगर इस प्रोग्राम में कोई कंप्यूटर के कोई है अपना, वो थोड़ा सा बता दें कि ये लाइव स्ट्रीमिंग किस तरह की जाती है। तो मैंने पता नहीं कोई 10-20 चैनल तो बनाए हुए हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो जमीर भाई, जमीर क्यानी साहब रोले ये है कि वो एक मुहावरा भी है बोलते हैं पंजाबी में, जिसका मतलब ये है कि जो दुश्मन है वो ज्यादा तेज है, वो पता नहीं मुहावरा किस, मतलब दुश्मन ज्यादा तेज है, वो है यार पंजाबी में, मेरे जेहन में कुछ गर्दश कर रहा है। मतलब ये यार अल्लाह के बंदो सब कुछ यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। देखिए आप लाइव स्ट्रीम आप लिखे यूट्यूब के ऊपर ही लिखे, सर्च करें आपको मिल जाएगा, लिखे कि भाई मैं किस तरीके से यूट्यूब स्ट्रीम यार्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, आगे हिंदी लिख दें तो आपको वो कई वीडियोस मिल जाएंगी। फिर आप देखें यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं, वो देखें सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगी, हर चीज वीडियो कैसे एडिट करते हैं आपको मिल जाएगा। ये कोई ऐसी कोई बड़ी कोई मुश्किल चीजें नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं, हर चीज यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, हर चीज मौजूद है। मैंने माधर धाऊ रोक रहा हूँ, मैंने चैनल बनाया है, मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, ठीक है, तकरीबन मुझे 2 हफ्ते हुए हैं मैं स्ट्रीम करता हूँ, काशिफ भाई को भी पता है, ठीक है जी। मैंने नया नया चैनल बनाया है, मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाली थी, तीसरे पे मैंने जो है स्ट्रीम या डाउनलोड करके हर चीज, भाईजान यूट्यूब पे हर चीज पड़ी है, आप थंबनेल बना सकते हैं जमीर भाई, आप जो है सब कुछ कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जो है फॉलो करें, आप जो भी चाहे, मेरा इसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको हर चीज के बारे में गाइड करूंगा। अच्छा जजाकल्ला मोहम्मद अली भाई जजाकल्ला। यहाँ पे हम अभी स्ट्रीम यार्ड की तशहीर के लिए नहीं बैठे जी, यहाँ पे नहीं बात करने दे कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे देखिए रोले ये है, ये जनाब मैं व्हाट्सएप अभी ओपन कर रहा हूँ, अल्लाह करे ये ओपन हो जाए। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं मुल्हिदीन के, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप जरा देखिएगा, कसम खुदा की मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 24 घंटे की बुनियाद पर 24 घंटे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर बैठे रहते हैं। और मैंने एक बंदे से पूछ लिया, मैंने कहा यार तू कब सोता है कब जागता है, तेरा कुछ पता ही नहीं चलता, रात के 2 बजे भी देखें तो तू मौजूद होता है, रात के 4 बजे भी देखें तू मौजूद होता है, दिन के 2 बजे तू मौजूद, 4 बजे तू मौजूद, तू कब, तो इस्लाम दुश्मन मुल्हिदीन। अब ये देखें एक ग्रुप है जोके आगही, इसके ऊपर आपको ये मैसेजेस भी नजर आ रहे हैं, अभी भी वो बैठा होगा, और भी ये बैठे हैं सारे लगे हो गए यहाँ पे, ये अभी
ये चौधरी साहब आपको नजर आ रहे हैं, हाँ जी, ये जब देखे ये बैठे होते हैं, अच्छा जी, यहाँ पे सारे बैठे हैं, ये मुलहिद भी हैं, कादियानी भी हैं, बीच में चंद मुसलमान भी हैं, सब बैठे हुए हैं। अच्छा, वो ये आईडी है कादियानी राणा, राणा जाहिद, ठीक है, ये जिसने ये वीडियो सेंड की है। मैं सिर्फ ये एक बंदा आपको दिखा के बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ कि देखो इस्लाम दुश्मन जो है वो ये लड़की है, ये क्रिश्चियन है, ये भी इसका ये रोल है, 24 घंटे की बुनियाद के ऊपर ये काम करती है अपने मजहब का। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, यीशु के पास सबको लाना है, शैतान को पीछे हटाना है। यीशु ने कहा मत डर, रुबीना मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। ये जंग मेरा यहोवा यरी खुद लड़ता है, क्योंकि ये जंग मेरी नहीं, मेरे यहोवा की है। अब सब बैठे हुए हैं, लगे हैं, जब ये साबरे कर रहे हैं, यार तुम लोगों को तकलीफ है मुसलमानों, वेलिंगा खांदे हो, ते फिर असि मुसलमान होने हैं जी, बेशक जिसके दर का सारे हैं वो सारी दुनिया ने जो सोशल मीडिया का स्ट्राइक तैयार किया है और अपने मजहब का तबलीगे कर रहे हैं, अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बस तुम लोगों को तकलीफ है, कोई चैनल नहीं तुम लोगों का, मुझे शिकवा रहेगा मुसलमानों से, मुझे शिकवा रहेगा, मैं ये शिकवा बार बार करता रहूंगा जब तक इनके मद्दे मुकाबल तुम 1000 चैनल नहीं बना देते। मैं बोलता रहूंगा, मैं तुम्हें कहता रहूंगा, कहता रहूंगा। ये देखें प्योर डिस्कशन ग्रुप के अंदर आ जाएं, लगे हुए हैं, ये देखें कादियानी मुरब्बी ताहिर खान बैठा हुआ है, ये बड़ी बड़ी छोड़ने वाला मुरब्बी है जनाब। इब्राहिम शाह साहब, आपको फिल्म नहीं है, पढ़े, आपको पता है कि ताबीर रोया में अपने आप को उसको खुदा देखने का वो पूरा आप लगाते हैं उसके, लेकिन आपने बतियाती की है, वो ये है कि अपने आप को ख्वाब में खुदा देखते से ये कादियानी मुरब्बी मीर फैसल है जनाब, जिसका ये ग्रुप है, 24 घंटे ये इस्लाम दुश्मनी करता है, ये एथीएस्ट है असल में, कादियानियत से ये निकला हुआ है, का हवाला मौजूद है, बहुत बड़े आलिम इस्लाम के, बहुत बड़े आलिम थे। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक अहमद सॉरी एक शख्स मुसलमान हुआ जी, मेरे मोहतरम मेरे प्यारे भाई, ये इनकलाब खोखर नाम की एक आईडी है जनाब, अपने आप को वैसे तो ये कहता है मैं शिया हूं, लेकिन ये मुझे शिया नहीं लगता। बहरहाल यार, कहने का मकसद ये है कि बैठे हुए हैं, सारे ही बैठे हुए हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, 24 घंटे की बुनियाद के ऊपर काम करते हैं, सब इस्लाम दुश्मन, सब इस्लाम दुश्मन जनाब, लगे हुए हैं, ना ही हारते हैं, ना ही थकते हैं, ना ही चुप रहते हैं, दिन रात इस्लाम के खिलाफ। ये देखे ये मुलहिद की वो सुन ले, मौलवियों के दिमाग तो गंद पता नहीं कितना निकलता, इन्होंने को बच्चा देख के आ जाए, को थोड़ी जी बच्ची देख लेन, इन्होंने दिमाग तो शायद नहीं करती है, और मैं कहते बैठ बैठ के भी चौड़ा मारने अजीब लोग ने, कुछ हो नहीं मैं कह सकता, पर मेरा कहना उन्हें नहीं पता कोई पैसा। ये बंदा की मैं तस्वीर भी जरा दिखा दूं, राणा जाहिद नाम है इसका, 24 घंटे की बुनियाद पर इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है, खुद अपने आप को कहता है मैं शैतान का पुजारी हूं, मतलब शैतान को अपना खुदा मानता हूं। तो एलोमनाटी का गालबन ये रुकन है। तो बस ये थोड़ा सा बताना था आपको यार, ओ खुदा के बंदो बनाओ चैनल अपने यार, आओ सामने मुसलमानों, की हो गया यार, काशिफ चौधरी चला गया क्या? नहीं उस्ताद मोहतरम, इधर ही हूं। करो जी स्ट्रीम करो। अच्छा शाह साहब, आपका एक चैनल था, शाह जी आपका एक चैनल था अपना, जो वो अदरीस भाई किया करते थे, मदनी भाई, वो तो देखे वो तो रेडियो चैनल तो था ना जी, हदायत रेडियो तो, लेकिन वो रेडियो पर भी मैंने प्रोग्राम किया, लेकिन कोई 2-3 साल किया तो ये इन जालमों ने वो भी बंद करवा दिया, बल्कि हमारे रेडियो चैनल कोई ब्लॉक करवा दिया और बड़ा जुर्माना हुआ था हमें। तो कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं जमीर साहब,
हमें तो बोलने नहीं ना दे रहे, हमारे तो मुंह बंद कर दिया गया है ना कि भाई नहीं तुमने मुंह बंदी जुबान बंदी कि इसको बोलने नहीं देना। हाँ जी, हर जगह से ना ही हमारी कोई वेबसाइट को ये चलने दे रहे हैं, ना ही हमारे किसी चैनल को चलने दे रहे हैं, ना ही अगर रेडियो पर आते हैं तो रेडियो को बंद करवा देते हैं। मतलब क्या हम क्या करें? इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के बंदो आप ये अभी से ही आप लोग खड़े हो जाएं, हमारा कोई पता नहीं हम कब तक सोशल मीडिया पे हैं, कब आपको नजर भी नहीं आना हमने। जी जी जज़ाकअल्लाह उस्ताद मोहतरम। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद SH वाली आईडी है, पूरा नाम नजर नहीं आ रहा। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहम्मद SH वाली आईडी, मोहम्मद SH वाली आईडी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। मोहम्मद शरीफ साहब हैं जनाब, माइक म्यूट हटाएंगे तो बोलेंगे ना शरीफ साहब। शरीफ साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मोहम्मद शरीफ साहब, आप दोबारा से कनेक्ट होके आइए, इंशाल्लाह आपको कॉल में दोबारा लेते हैं। जी मोहम्मद अली भाई, अब आपकी बारी आ गई है। सुफियान तालिबिलम भी बैठे हैं यहाँ पर, तो चलें पहले सुफियान साहब को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सुफियान साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया काशिफ भाई और नाचीज क्लास के लिए बैठा है, आप आगे जारी रखें। सुफियान मियां मेरी जान, क्लास का टाइम आप वो दोपहर वाली स्ट्रीम में नहीं कर सकते? ठीक है सादम उतर, ठीक है जी, दोपहर में जो स्ट्रीम करता हूँ, या कभी कभी मैं दिन को भी कर लेता हूँ मतलब फजर के बाद। तो आप ये है कि ये आपने ही शिरकत करनी है खुद ही, वो नोटिफिकेशन आपको कोई मसूल हो जाएगा अगर तो आपने बेल आइकन पे क्लिक किया हुआ है। तो जब मैं लाइव आता हूँ इस 9 बजे वाली स्ट्रीम के अलावा जब भी आऊं तो आपने कॉल कर लेनी है, बस उस टाइम फिर हम क्लास भी बीच में ले लिया करेंगे। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। और लाजमी कई और भी साइलेंट तुलबा और तालबात हैं, उन्होंने बड़े मैसेज मुझे किए कि वो क्लास आगे बढ़ाएं आगे बढ़ाएं, तो वो चूंकि आप ही नहीं थे तो वो क्लास कैसे बढ़ती। जी सादे मोहतरम, इंशाल्लाह वो रेगुलर, बस एक मसला था हमारा, वो ठीक हो गया इंशाल्लाह रेगुलर। जी शुक्रिया सुफियान भाई, आज की स्ट्रीम के बारे में कुछ कहेंगे? ये जो आज गोबर शाहियों की एक स्ट्रीम, एक वीडियो चलाई, इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो सादे मुहतरम वीडियो दिखा रहे थे, इसमें जो उसने ये झूठ बोला नाखनों के ऊपर आयतुल कुर्सी वगैरह और सर के ऊपर सूरह रहमान, 1.5 साल तक भूख नहीं लगी, और वो जो औलिया इकराम जो उनके बारे में जो उसने बातें की हैं, तो ये जो समझदार लोग हैं पढ़े लिखे और महज़ब बादब लोग हैं, उनको समझ आ गई होगी ये सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है। तो माशाल्लाह ये अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे, इनको सामने नहीं लेके आएंगे, तो फिर ये इन जो फितनों का कला कमा नहीं हो सकता। यही हमारा मकसद है कि ये खुलकर सामने आए और उनकी जो झूठी बातें हैं ये आवाम तक पहुंचे, आम मुसलमानों तक पहुंचे, ताकि वो इनके जालों में ना फंसे। सादे मोहतरम का बहुत शुक्रिया, इनसे हमें बहुत कुछ मिला है, और ये अल्लाह ताला इन्हें जजाए खैर दे, अल्लाह ताला आला मुकाम दे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकअल्लाह आपका। मोहम्मद शरीफ साहब आप दोबारा से बात करने की कोशिश कीजिए माइक को अनम्यूट करके। वैसे तो आपका माइक, हाँ जी अब म्यूट हो गया, दोबारा अनम्यूट कीजिए। नहीं मोहम्मद शरीफ साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप स्टूडियो को लीव कीजिए
और दोबारा से लिंक पर क्लिक करके आइए, इंशाल्लाह रिफ्रेश हो चुका होगा आपका नेट उस वक्त तक। काशिफ भाई बस एक लाइन बोलकर मैं क्विट कर जाऊंगा अगर आप इजाजत दे दें। जी जल्दी से बोल लीजिए। ये मेरा मुफ्ती साहब से सिर्फ एक सवाल है ताकि थोड़ा मालूमात में इजाफा हो जाए। सर आप पिछले दिनों आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे जब ये आपका चैनल इन लोगों ने बंद कर दिया था, तो सिर्फ ऐसे समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी कोई कमी पेशी रह गई थी या कोई ऐसा वीक पॉइंट जो इन हरामजादों ने पकड़ लिया तो आपका चैनल बंद कर दिया? तो सर आपसे प्यार करने वालों की तादाद भी कोई कम नहीं है, तो क्या ये अलरा टीवी और ये इस तरह के चाहे दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, कुछ दिन के लिए भी इनका चैनल बंद हो सकता है? प्लीज इसका जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी चैनल बंद हो सकता है और हमने भी बड़े बड़े चैनल बंद करवाए हुए हैं। बहरहाल हमसे भी गलती हो गई थी एक, तो उस गलती का फायदा इन लोगों ने उठाया। जी जी ठीक है साहब, मतलब जी जजाकल्ला इरफान भाई। अब मैं दावत कलाम दूंगा भाई मोहम्मद अली को कि, और दूसरा माजरत मैं आपको रोक इसलिए रहा था उस वक्त कि वो प्रोग्राम का जो हमारा फॉर्मेट था ना वो किसी और तरफ चला जाना था, इसलिए मैंने आपको उस वक्त रोका। जी मोहम्मद अली भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तमाम देखने वाले सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों लानते मेरे कादियानी कजाब पर। देखें जी ये भी एक फितनों में से जो है वो कह रहे इसको दूसरा नंबर देंगे, जैसे मुफ्ती साहब ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वो तरतीब पहले ही गिना दी थी, गिनवा दी थी कि पहला मिर्जा कादियानी जो था वो लार्ज और मीडियम ये जो गोरशाही था, और जूनियर जो है वो अब हमारा ये जो मिर्जा जेलमी है। तो ये इसने जो बुनियाद रखी थी अंजमन सरफरोशा ने इस्लाम एक थी पाकिस्तान में जो है वो इसने बनाई थी जमात, जिसमें वो लाल रंग का दिल है और उसमें अल्लाह लिखा होता सफेद रंग का, वो इसकी जमात थी रियाज अहमद गोरशाही की। क्योंकि दरअसल में हुआ ऐसे था कि एक लड़का था वो इसको फॉलो करता था गोरशाही को, तो उसके साथ डिबेट हुई थी तकरीबन कह लें कि 3 घंटे की। जी बिल्कुल ये आ गया मोहती साहब ने माशाल्लाह दिखा दिया है। तो 3 घंटे मेरी उसके साथ डिबेट हुई थी और उसको फिर जो है ना जी मैंने हवाले दिए, क्योंकि ये लोग शरीयत को नहीं मानते, ये कहते हैं जी शरीयत शरीयत कुछ नहीं होती, नमाज कुछ नहीं होती, रोजा कुछ नहीं होता, अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, ठीक है जी। और बाबे जो होते हैं जी उनके ये जो है ठीक है ना जी इनके लहदे ही होते हैं, ठीक है सारा सिस्टम जो है लहदा होता है। तो मैं ये कहूंगा कम कंजरा वाले जफे रूहानी अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, ठीक है जी। तो ये जो है जी हालांकि मैंने इनको हवाले दिए थे जिनको ये मानते हैं ना जी, पहले इन्होंने वो बात की थी दो तीन बुजुर्गों ने दीन है ठीक है जी औलिया कराम है उनकी उनके उस बंदे ने मुझे हवाले दिए, मैंने उन्हीं की किताबों से फिर हवाले दिए थे कि शरीयत जो है वो जो रहानियत की है पहली सीढ़ी है, उसके बाद तरीकत आती है फिर आगे जो है वो चीजें हैं ठीक है। लेकिन ये रियाज अहमद गोरशाही जो था ये बहुत बड़ा जनाकार था, बहुत बड़ा शराबी था, जानी इंसान था, और इसने अस्तगफुरुल्लाह माजल अपने आप को सादात बनाया था, ये है नहीं था। ये सिंध में गया था, वहां पर जाके इसने भोले भले लोग जो थे उनको इसने वर्गलाया और वर्गला के इसने अपने आप को अस्तगफुरुल्लाह माजल सादात बनाया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि हजरत इमाम मेहंदी रजी अल्लाह तआला जो है वो सादात होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद में से आएंगे, ठीक है जी। और फिर मैंने इसकी ये जो है यूनस अल गोर इसकी एक देखी थी लाइव यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें इसने अस्तगफुरुल्लाह माजला यहां तक इसने बहुत बहुत ज्यादा गुस्साही अल्लाह ताला की जात पर की गुस्साहियां की हैं, अंबिया कराम की गुस्साहियां की हैं, यानी कि सेम मिर्जा कादियानी सेम वही अकायद वही नजरियात वही तमाम चीजें जो है जी वो इन इनमें भी मौजूद है सब की सब। और इसने अस्तगफुरुल्लाह माजला कहा था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्जी रूह है वो जो है वो रियाज गोरशाही में आ गई है, तो अब जो है जी वो दुरूद पाक अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला जो है वो गुंबद हजरा पर नहीं जाता, वो जहां पे ये कोटरी में रियाज गोरशाही दफन है वहां पर जाता अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला। आप खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं, और वही मैंने पहले बात की कम कंजरा वाले
और गल्ला रूहानी दिया, वो मिर्जा कादियानी था वो भी रूहानी, रूहानी खजान और इसकी रूहानी सफर, आप वो किताब पढ़ के देखें। मैं कहता हूं जी कोई बाशौर इंसान जो है जी वो मान ही नहीं सकता कि ये लोग जो है अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला ये अल्लाह के वली हैं या इनके पास ऐसे दर्जात हैं। तो मैं आपको बता रहा था बल्कि मुफ्ती साहब से इसका एक मुफ्ती साहब चेला है, उसने उससे मेरी बात हुई थी यार, उसको वो तो मेरे से तो वो उसने कहा ठीक है जी मैं हार गया जी आपसे, लेकिन आप जो है जी वो यूनुस अलगोर जो है जी उसको चुप करवा दें। तो अभी भी मौजूद है, अगर आप चाहें तो उससे बात करके इसे मीटिंग रखवा लेते हैं। उसने कहा था जी मैं मीटिंग फिक्स करवा दूंगा यूनुस अलगोर के साथ। तो अब बात असल में ये है जी कि जब ये 99 में जो है अमेरिका चला गया था जो है रियाज अहमद गोरशाही, और वहां पर जाके इसने जो है जी अपनी रूहानियत जो है वो अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला दिखाने की कोशिश की। एक लड़का था उसकी बीवी को थोड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो उसको स्ट्रेस हो जाता था। तो उसने कहा जी कि ये बाबा जी नए आए हैं, वो कहते हैं जी मैं कल्ब के जरिए जो है जी वो रूहानियत जो है वो करता हूँ, ठीक है। तो वो फिर उसके पास आया, जब आया तो इसके ऊपर पर्चा हुआ था अमेरिका में वर्जीनिया में, ठीक है, उसकी कॉपी मेरे पास शायद अभी वो फोटो पड़ी हो ना हो तो वो मैं कर लूंगा उसका बंदोबस्त, ठीक है जी, मेरे पास वो मौजूद थी पहले, सही है। इस पर पर्चा हुआ था और उसमें बकायदा उस लड़की ने इसका नाम रियाज अहमद गोरशाही का लिखवाया था, लिखवा कर नीचे उसने जो लिखवाया था इंग्लिश में, अब मैं उसका आपको तर्जमा करके कि इस बंदे ने क्या किया जी, उसकी जो छाती थी लड़की की उसको पकड़ लिया था। तो फिर वो चीखती चलाती बाहर आई, तो उसका जो शोहर था उसने उसको कहा हमने यहाँ पर नहीं रहना, चलो। उसने पूछा वजह क्या, उसने कहा चलो ये हमें मार देंगे फिर मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। जब वो फिर बाहर गई उसने बताया, उसने कहा इसने कौन सी ये रूहानियत कर रहा था, इसने तो मेरी छातियां पकड़ ली थी। तो फिर उसने जो है जी वो मतलब बाद में जब उन्होंने पर्चा कराया तो पुलिस ने उसको बुलाया, ठीक है, इस रियाज गोरशाही को, ये जो बने फिर रहे हैं अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, ठीक है जी। तो रियाज गोरशाही को जब बुलाया तो उन्होंने पूछा, उसने कहा जी तो वो जो है जी वो दिल के जरिए जो है जी रूहानी मैंने ट्रांसफर करनी थी तो पकड़नी पड़नी थी, वरना ट्रांसफर नहीं होनी, ठीक है। तो अब ऐसे बंदों को आप खुद बताएं अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला जी, ऐसे बगैरत लोग हैं। और ये जो दूसरा वो आया था, एक तो यूनुस गोर है जो दूसरा मुफ्ती साहब ने दिखाया था, उसकी तो अपनी रेलनी जो है वो ठहर रही मुंह से, वो हर दो मिनट बाद रुमाल से साफ करता है, उसको तो बिब लगानी चाहिए जो बच्चे पहनते हैं छोटे बच्चे, ठीक है ना, ताकि वो जब भी आए तो वो उसके ऊपर गिरे। ये ऐसे अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला बंदे जो है जी झूठे, दुनिया के झूठे तरीन बंदे हैं, ये दुनिया के झूठे तरीन बंदे हैं। वो कादियानी था, उसने बात की, उसने कहा जी 14 साल की उम्र में जो है जी वो मुझे पता लग गया अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला कादियानियत का, तो मैंने बैत, मैंने कहा बैत तूने कर नहीं ली, मरब्बी ने तेरे अंदर ट्रांसफर की थी कादियानियत, ठीक है ना, तुझे समझ नहीं लगी थी, उसने ट्रांसफर की तो तुझे पता लगा था, तूने फिर बैत की थी जाके, सही है, मरब्बी ने सही तरह जो है ना वो ट्रांसफर की। तो इसी तरह ये जो यूनुस गोर था ना, इसके अंदर भी ट्रांसफर की थी उसने, जो था वो अपना ये रियाज अहमद गोरशाही जो रूहानियत थी अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, ये छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चों को कैसे तमाम चीजें समझ आ जाती हैं। ये सब जो है सुअर हैं, ये सब जो है जी बगैरत लोग हैं, जनाकार, शराबी, जानी, जवारी, ये सब की सब क्वालिटी जिनमें मौजूद है। और जो भी बगैरत होता है इन जैसा वो उठ के आ जाता है और वो दावा कर देता है अस्तगफुरुल्लाह माजल्ला, ठीक है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो वो मिर्जा जूनियर जेल में है, उसने जी वो जो सुअर का दिल बंदे को लगाया अमेरिका में, उसने उसको हलाल करार दे दिया, आप हिसाब लगा ले। ये इनका इस्लाम है, इन बगैरत लोगों का। तो आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, लख दी लानत इन सारे सुअरों के ऊपर। जज़ाकअल्लाह काशिफ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अली भाई, आपने बिल्कुल क्लियर कट जो है इसके ऊपर कलाम किया और एग्जैक्ट बातें आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं भाई इब्राहिम शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम काशिफ भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। अच्छा ये देखें, मैंने एक चीज नोट की है काशिफ भाई, आपने भी देखी होगी कि जब भी कोई दो नंबरी करनी होगी ना, जिस तरह मिर्जा कादियानी ने करनी थी,
अभी इसने किया है ये जो गंजा दिखा रहे थे मुफ्ती साहब, दो नंबरी करनी होती है। ओ जी हमने हजरत इमाम हुसैन को देख लिया, हजरत इमाम हुसैन हमारे पास आ गए, हजरत ओ तुम क्या जानो, तुम्हारी बला क्या जाने। ये लोग, मैं एक थोड़ा सा वक्त लूंगा काशिफ भाई आपका, और मैं अल्लामा इकबाल की एक तसनीफ पेश करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब किबला सुन रहे होंगे तो मैं इसके बाद उनके भी चाहूंगा कि वो भी कुछ रोशनी डालें इस मजमून पे कि अकल और इश्क ये दो जिदैन है, ये इसकी इसके ऊपर बहस करते हैं अल्लामा इकबाल तो, और इसका मजमून क्या बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी। शाह जी मैं ना वो सिस्टम रीस्टार्ट किया है। जी फरमाए। जी तो अल्लामा इकबाल मुफ्ती साहब, मैं बता रहा था कि ये जो अकल और इश्क की ये जो पैकार है, इसके अंदर अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं और अपना मौजू किसको बनाते हैं, उस टुकड़े को जी, के वो हक का के बिना इला इला अस्त हुसैन, अब वो जेन में रखिएगा, और अपना मौजू वो लिखते हैं कि दर मौनिय हुर्रियत इस्लामी, कि इस्लाम के अंदर आजादी क्या है। तो उसका पहला शेर ही वो इस तरीके से लिखते हैं कि हर के पैमा बाहुअल मौजूद पस, कि जो भी उस बाहुअल मौजूद, उस हुअल मौजूद से एक अहद बांध लेता है, गर्दन अज बंदे हर माबूद रस, उसकी गर्दन हर झूठे इला से छुट जाती है, क्योंकि मोमिन अज इश्क अस्त, इश्क अज मोमिन अस्त, मोमिन इश्क होता है और इश्क मोमिन होता है, इश्क रा नामुमकिन है मामुमकिन अस्त, और इश्क से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। और फिर आगे अकल की तारीफ करते हैं कि अकल सफाक अस्त, कि अकल सफाक होगी, ऊ सफाक तर, लेकिन इश्क सफाक तरीन है, लेकिन उसकी हालात बयान करते हैं कुछ कि पाक तर, चालाक तर, बी बाक तर। ये जिस तरीके से अभी ये बकवास कर रहा था गंजा के, मेरे पास ये आ गए बाबा फरीद आ गए, मेरे पास वो आ गए, ये अलामा इकबाल फर्क बता रहे हैं कि इनमें और असल में फर्क क्या है, कि असल पाक है, चालाक है और ज्यादा बेबाक है। और फिर इसी इसी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि अकल मी गुयद कि खुद रा पीश करो, कि अकल मुझसे कहती है कि अपने आप को खुद सामने पेश करो, अपनी रूनुमाई करवाओ, लेकिन इश्क गुयद इम्तिहान ख्वाहिश कौन, कि इश्क मुझसे कहता है कि मुझ मेरा इम्तिहान लो, वो इम्तिहान का ख्वाहिश मंद है। और एकदम से वो रुख हयात जब मुतय्यन होता है किसी का, तो वो एकदम से वहीं पे मुड़ता है। तो अलामा अपने मौजू को छोड़ते हैं और फरमाते हैं कि आशुनी दस्ते के हंगामे नबर, के अभी तक तुमने सुन अभी तक नहीं सुना कि इश्क और अकल की पैकार में क्या हुआ है। इश्क बा अकले हवस परवर चिकर, इश्क ने हवस परवरदा अकल का हाल क्या किया है। तो अगला शेर अल्लामा ने लिखा है कि ओ इमाम आशिकां पूरे बतूल, आशिकों का इमाम तो सैयदा जारा का बेटा है, सर्वे आजादे ज बुस्ताने रसूल, आका के एक आजाद बाग का आजाद फूल है। और इसको खत्म करते हुए अलामा ने इस यही मजमून बयान किया कि चूं खिलाफत रिश्ता कुरान गुसीख्त, के यजीद ने जब खिलाफत का रिश्ता कुरान से तोड़ दिया, और ये जिस तरीके से आजकल के ये टीटो पार्टियां कर रहे हैं, ये रियाज गोरशाही तो मिर्जे कादियानी तो ये तो वो लटरम पटरम, हुर्रियत रा जहर अंदर कानो रीस, आजादी के कानो दहन के अंदर जब जहर टपका दिया जाता है तो खास तौर सर जलवाए खैरुल मिलल, तो एक खैरुल मिलल शहजादा उठता है, चूं सहावे किबला बारां दर कदम, जैसे किबला से उठती हुई घटाएं अपने आप को उठाती हैं, और बर जमीने करबला बारी दो रफ, करबला की जमीन पर आता है वो और अपने आप को बरसा देता है, लाला गर वीरा नहा कारी दा रख, और लाला बिखेर के चला जाता है। और आखिरी शेर लिखते हैं कि बाहरे हक दर खाक को खून गलती रा, के जो अपने हक की खातिर, जो इंसानियत की खातिर, जो अदल व इंसाफ और शरीयत की खातिर अपने आप को खाक को खून में लौटा दे, तो पस बिना इला इला गर्दी दास्त, वही मिसदाक ठहरता है ला इला का, वही उस चीज का ऐलान करने वाला है, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है। तो क्या ये बात करने आए हैं कि हम इमाम मेहदी हैं, हम फलाए, हम ये।
जजाकल्ला, थैंक यू मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। बहुत खूब शाहजी, बहुत खूब जबरदस्त। यहाँ पे शरीफ साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाह साहब, आवाज आ रही है जी? अब आवाज आई है जी, फरमाइए जी। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब, मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है, तो मैं आज से 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं उस वक्त छोटा सा था, अपने वालिद साहब के साथ जाता था। ये गौर शाही जनाब आया था वहाँ पे मरीज होने के लिए मोइन अलग साहब के पास, तो उन्होंने इसको देख के तो उन्होंने बोला कि तेरी बैद जो है ये हमारे पास नहीं हो सकती। और ये वहां से निकला जनाब, फिर हम रिहाइश इसकी उधर इस्लामाबाद में ही थी, तो जैसे हमारे वालिद साहब बताते हैं, क्योंकि उनका जो है ना वो खत नबूवत के साथ उस जमाने से जनाब सैफ चिश्तियाई पढ़नी और घर में अपने बच्चों को, सबको, बहनों को, यानी हमारे पूरे खानदान में उन्होंने तालीम देनी होती थी जनाब खत नबूवत की, वालिद साहब ने। तो वो बताते थे कि कहते हैं कि जी ये एक नशेई आदमी था जनाब, कच्ची आबादी में इसकी पैदाइश हुई है ये गौर शाही की। तो ये जलील आदमी जनाब वहाँ पे नशा बेचने का काम करता था पहले, और कुछ दीर दैरिये कोई चीती है इसको, इस तरह के लोगों के साथ इसका उठना बैठना ज्यादा था। वहां से इसने जनाब कोई पैसा इकट्ठा करके, तो फिर आगे जो भाई बता रहे थे अभी जी के, ये यहाँ से फिर निकला तो ऐसे बाहर गया, तो बाहर इसने क्या क्या करतब खेले है। ये वो गंदी नाली का कीड़ा है शाह साहब, और इससे गलीज आदमी इसका पापा था जनाब वो कायदियानी, मिर्जा कायदियानी, और फिर अभी छोटा इनका एक बेटा पैदा हुआ है इंजीनियर जिसको आप कहते हैं यूनियन इंजीनियर, ये यूनियन इंजीनियर इनका ये बेटा है दोनों का। तो ये बड़े जलील किस्म के आदमी है, अल्लाह ताला इनकी जुबानें बंद करे। हम दुआ करते हैं मदीने में बैठ के कि अल्लाह ताला इनको नस्त व नाबूद करे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को काटने के लिए इन्होंने जनाब अपनी जुबानें कैंचियों की तरह चला रहे हैं, और अल्लाह ताला ऐसा अपने हबीब के सदके में कोई ऐसा अमल जाहिर करे कि इन लोगों को इनकी जुबानें बंद हो जाएं, क्योंकि बहुत हो चुकी है। हमारे तो कान भी जनाब अभी रोते हैं कि ऐसी बातें सुन के कि क्या हमें ये वक्त देखना पड़ता, जैसे कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले ये शोर उगुल नहीं था इतना जितना अभी सोशल मीडिया पे सुनना पड़ता है। इतना दिफा करते हैं, लड़ते हैं हम सोशल मीडिया पे लोगों के साथ, जो कुछ भी करते हैं। यकीन करें कि हमारे कान कहते हैं कि जी ये पता नहीं कैसी नस्ल पैदा हो चुकी है जिनको इतना अकल भी नहीं है, सुन सुन के इतना इनको अकल भी नहीं है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। आज वो एक मोची था कंजर का बच्चा, उसने जनाब अजीब अजीब बातें की हैं जी कल, के जी वो कोई इंडिया का नाई मोची जनाब कंजर का बच्चा, उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मिला रहा है, उससे मेरा बड़ा झगड़ा हुआ है। तो बात असल करने का मकसद यह है कि शाह साहब ये जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ, ये एक ऐसा अजीम काम है, यकीन करें कि दुनिया में इससे अफजल काम कोई नहीं है। आपके कपड़ों के ऊपर जो पड़ी धूल अगर किसी को लग जाएगी ना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी जंती हो जाएगा, क्योंकि आपका मर्तबा मकाम वो जो है वो नबूवत से वाबस्ता है। तो नबूवत से वाबस्ता जिनका मर्तबा मकाम हो, तो उनके पास से गुजरने वाली जो हवा होती है वो भी इंसानों को हदायत दे के चली जाती है। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए और मेरे जितने भी दोस्त आशिकाने रसूल हैं उन सब के लिए आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको साबित कदम रखे। जजाक अल्लाह जी शाह साहब, आमीन जी। जजाक अल्लाह। ये थे मदीना शरीफ में मौजूद हमारे खत्म नबूवत के मुजाहिद शरीफ साहब। ये कि शरीफ साहब ने एक लफ्ज यहाँ पे बोला है जी, आप नबूवत वाला काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि खूब से बातन वाले शयातीन के नुमाइंदागान और बशिंदागान इसका नजात फायदा उठाएं, तो उसका मैं दरवाजा अभी बंद कर दूं कि हम नबी नहीं हैं,
हम वली भी नहीं है, और बल्कि एक नेक इंसान भी नहीं है, हम फासिक व फाजिर मुसलमान हैं। मैं अपनी बात कर लूं, मुबशर शाह, मुबशर शाह फासिक व फाजिर मुसलमान है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। अच्छा जी, एक हदीस सुनते जाइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अखरज अबू दाऊद व नुएम बिन हमाद वल हाकिम अन अबी सईद काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी यू मिन्नी, के जो इमाम महदी होंगे वो मुझसे होंगे। अजल्लल जबहती अकनल अनाफी, उनकी पेशानी मुबारक रोशन होगी और वो उनकी जो नाक मुबारक होगी वो बुलंद होगी। यमला उल अर्दा किस्तन व अदलन, और जमीन को, पूरी जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। कमा मालियत जुल्मन व जौरन, यम लिकू सब आ सिनीन, और जिस तरीके से जुल्मों सितम से भरी हुई थी ना, तो उसके मुकाबले में वो यानी जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। और आप दुनिया के अंदर 7 साल तक बादशाही करेंगे, बादशाही। अब देखिए इस एक हदीस के अंदर हमें क्या पता चला कि हजरत इमाम महदी सैयदजादे होंगे, फातिमी सैयद होंगे। हमें यह भी पता चला कि आप की रोशन पेशानी होगी और नाक मुबारक ऊंची होगी। ये भी पता चला कि जब आप तशरीफ लाएंगे तो उस वक्त पूरी दुनिया जुल्मों सितम से भर गई होगी, यानी कुफर शिरक जुल्म सितम आम होगा। ये निशानी है भाई हजरत इमाम महदी की। सुन ले, अभी तक पूरी दुनिया जुल्मों सितम से नहीं भरी, अभी पूरी दुनिया, अभी बड़े 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 ईमानदार मौजूद हैं, बड़े बड़े जनाब इस्लाम के रखवाले मौजूद हैं, अभी वो वक्त नहीं आया। अभी मुबशर शाह जैसे भले फासिक व फाजिर मुसलमान है वो मौजूद है। जब मुबशर शाह जैसे भी फासिक व फाजिर मुसलमान ना रहेंगे, ये उस वक्त की बात हो रही है कि कोई भी नहीं रहेगा, जुल्म और सितम से दुनिया भर जाएगी। ये निशानी है हजरत इमाम महदी, ये निशानी बस याद रखिएगा, ये निशानी हमें नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। हमने किसी और की नहीं माननी, हमने नबी आलम की माननी है। तो दूसरी बात, जब आप तशरीफ लाएंगे ना तो वो तमाम जुल्म सितम खत्म हो जाएगा। जी हाँ, फिर सिर्फ ईमानदारी बच जाएंगे। ये वो ही निशानी है कि कत्ताल करेंगे, कत्ताल हजरत ईसा इब्ने मरियम के साथ मिलके, और तमाम काफरों का खात्मा हो जाएगा और चंद मुसलमान बच जाएंगे जो इनके हवारी होंगे, इनके सहाबी होंगे, इनके दोस्त होंगे। तो फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह पाक हुक्म इरशाद फरमाएगा कि अभी मैं एक ऐसी मखलूक को भेजने लगा हूं कि जिनके साथ लड़ने की तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की यानी सहाबा की जो उनके साथ उस टाइम होंगे उनकी वो ताकत नहीं है, तो लिहाजा अपने दोस्तों को लेके कोहे तूर पर चले जाओ। तो वो फिर कोहे तूर पर चले जाएंगे, तशरीफ एक गार के अंदर पोशीदा हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह पाक याजूजो माजूज को छोड़ेगा, तो वो फिर ये सारा मामला। तो अच्छा, यहां से इस एक हदीस से ये भी पता चला कि उन्होंने बादशाही करनी है आके, बादशाही। जी हाँ, वो बादशाह होंगे, 7 साल तक बादशाह रहेंगे,
पूरी दुनिया के बादशाह, एक बादशाह होगा उस टाइम, और वो होंगे हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम। ये निशानी अल्लाह के नबी ने हमें बताई हुई है, ये निशानी याद रखनी है हमने। तो जब ये निशानियां अभी तक पाई नहीं जब गई, तो जितने भी दावेदार आए सब फ्रडिए, झूठ, झूठे, कज़ाब, इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं इनकी हकीकत। बस ये निशानियां आप लोगों ने याद रखनी। अगले कॉलर को हम ले लेते हैं, मोहतरमा सना शाह साहिबा शायद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज आ रही? जी 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 जी। मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आप हमेशा इसी दिन का काम करते रहे और सदा ऐसे ही अपने चैनल पर नजर आते रहे, आमीन। और बाकी ये कि मुफ्ती साहब, इस तरीके के बहुत सारे हैं जो इसी तरह के पाकिस्तान में लगा के बैठे हुए होते हैं कि इस ऐसी कोई भी तरीका जो है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ऐसी कोई भी तरीका जो है वो काबिल कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ जाती हो या शरीयत से टकराती हो। तो किसी को भी अगर देखना है कि वो तरीकत रखता है या उसकी कोई हैसियत है या वो अल्लाह का वली है या नहीं है, तो वो आप उसको देखें कि वो शरीयत पे कितना साबित कदम है, उसकी दाढ़ी है नहीं है, वो पांच वक्त नमाज पढ़ता है या नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं पाकिस्तान के अंदर के जो कहते हैं दिल की नमाज होती है, नमाज हम तो दिल की नमाज पढ़ते हैं और वो ये तरीकत के अपने अमाल होते हैं। तो आप मतलब ऐसी, हमें बस ये सिखाया गया है कि आप उसकी मुखालफत ना करें जो शरीयत के खिलाफ नहीं जाता। और आप यहाँ पे आपकी बात रोक के मैं जरा एक दोस्त के सवाल का जवाब दे दूं। अभी कमेंट एक मोहम्मद आसफ अराई नक्शबंदी साहब ने किया था कि फातमी सैयद ये समझा दें शाह जी, हदीस इमाद कीजिए, व अखराजा अबू दाऊद व इब्ने माजा व तबरानी वल हाकिम अन उम्मे सलमा रदियल्लाह अन्हा, फरमाती हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए मैंने सुना है कि अल महदियु मिन इतराती मिन वलादी फातिमा, के महदी अलैहिस्सलाम उलादे फातिमा से यानी मेरी आल में से होंगे। इसलिए मैंने लफ्ज बोला था कि फातिमी सैयद होंगे, क्योंकि सादात जो है उनके भी मुख्तलिफ वो फिर मुख्तलिफ मामलात के अंदर उनकी अकसाम मुख्तलिफ है। तो मैं मुख्तसर बस, क्योंकि ये एक टॉपिक फिर बहुत तवील है, तो जो आपका सवाल था वो मैंने उसका जवाब दे दिया। जी आप मोहतरमा फरमाएं। जी बस यही कहना था कि अगर किसी को अपनी तरीकत, किसी को किसी की तरीकत को कबूल करना है या उस पर चलना है, तो उसे चाहिए कि वो उसको देखे कि वो शरीयत पे कितना जो है वो कामिल है। बस मेरा यही पैगाम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप YouTube पे तशरीफ लेते हैं ताकि ठीक हो गया। अगले कॉलर को ले लेते हैं, साहल मसूद साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जनाब, फरमाइए। आपसे परसों भी राबता हुआ था मेरा व्हाट्सएप पे, आपको मैंने दुआ के लिए कहा था और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला की बरकत से हम सब अल्हम्दुलिल्लाह शफायाब हो गए हैं। मुफ्ती साहब, मैं बस आपके हर किसी काम की दाद देना चाहूंगा जो आप मिर्जा सीनियर और मिर्जा जूनियर के को रद्द करने में हमेशा इंशाल्लाहुल्मुस्तान लगे रहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम फासिक व फाजिर मुसलमान जरूर हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हम हुर्मत सहाबा या हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में कभी किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जान भी देने को हाजिर हैं और जिस भी तरीके से हम खिदमत कर सकते हैं दीन की और रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाहुल्मुस्तान। बस हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है और आपको किसी भी ताउन की जरूरत हो आप हमको हमेशा बोलें, हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाहुल्मुस्तान। जी साहल मसूद भाई, गुजारे ये है कि ताउन की, ताउन तो जरूरत है ना, ताउन की तो जरूरत है,
कई दफा कहा है तामुन करें आप, आजिज का तामुन करें, बड़ी दफा कहा है कि चैनल बनाए चैनल बनाए चैनल बनाए, ये अपने अपने चैनल बनाइए, ये सोशल मीडिया वार है, तामुन कीजिए मुबशर शाह का चैनल बनाइए, तामुन कीजिए मुबशर शाह का चैनल बनाइए। आप जहां पे फितने देख रहे हैं उनका रद्द कीजिए, दुश्मनाने इस्लाम, उन्होंने सोशल मीडिया का रास्ता इख्तियार किया है। आज यूट्यूब पे हजारों चैनल बन चुके हैं, मिर्जा सीनियर, मिर्जा जूनियर जेलमी, गोबर शाहियों के और कसीर मुलहदीन के, देहरियों के चैनल बनाइए अपने अपने, ये तामुन है, आप कर सकते हैं तो करिए। जजाकल्ला। यूट्यूब पे साहिल भाई चले जाइए ताकि नए कॉलर को जगह मिल जाए। अगले कॉलर आए हैं नबील अंसारी साहब, सलाम अलैकुम, माइक म्यूट हटा के बोलिए। नबील अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मोहतरम, फरमाइए। जी शाह साहब, अभी भी ज्वाइन किया मैंने माशाल्लाह, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, और रद्द के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि भाई जहाँ पर इस किस्म का फितना हो वहाँ रद्द होना चाहिए, और लोगों को कम अज़ कम इस हवाले से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये गोबर शाही जो है, ये फितना है, वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो कम अज़ कम शाह साहब आपके चैनल के तवस्सुत से तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली है, वरना तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कादियानियों के बारे में और गोबर शाही के बारे में, और सोशल मीडिया पे भी ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे, मैं जहाँ मुझे नज़र आता है तो वहाँ मैं कमेंट वगैरह करता हूँ और इनकी वीडियो को रिपोर्ट वगैरह करता हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है कि जो भी लोग हैं इनकी जो जहाँ वीडियो को देखें यूट्यूब पे रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने से ये होगा कि वीडियो इनकी डिलीट हो जाएगी, तो ये भी एक अच्छा अमल है। हम लोग सोशल मीडिया को बहुत बड़ी एक जो है इस वक्त जो है ना एक हथियार के तौर पर हो सकता है, क्योंकि लोगों को सोशल मीडिया चलाना नहीं आता है, इनकी नॉलेज उनको इस तरह की। आप सच फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों को नहीं आता। मुझे कमेंट नजर आ रहा है, मोहतरम ने दाढ़ी भी रखी है, इमामा शरीफ भी सजाया हुआ है, मोहम्मद इकराम गालबन लिखा है, तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा चैनल बनाइए। अगर तो आप आलमे दीन हैं तो आइए ना जी, मैदान में आइए ना, जरूरत है उलमा की, जरूरत है सोशल मीडिया को, उलमा मुतवज्जे नहीं हो रहे सोशल मीडिया की तरफ, ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है, और मैं हक बजाना हूं। जी नबील साहब। जी शाह साहब, आपकी शिकायत बिल्कुल बजा है, और अभी जो लोग जितने उलमा कराम जो बैठे हुए सिर्फ मस्जिद में सिर्फ जो है जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, खुतबा जुम्मा का दे, लेकिन इस वक्त हमारे उलमा कराम को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरह आप सोशल मीडिया को प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं माशाल्लाह, देख के बहुत अच्छा लगता है। बाकी तमाम उलमा कराम से गुजारिश है, बहुत काबिल एहतराम हमारे, लेकिन कहने का मकसद है कि मुल्ले की दौड़ मस्जिद से घर तक नहीं होनी चाहिए, अगर इस तरह होगी तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और ये फितने दिन ब दिन हमारी जो नस्लें आ रही हैं ये उनके ईमान को कमजोर कर रहे हैं, उनको यानी इतिहास बना रहे हैं, कोई गोबर शाही की तरफ चला जा रहा है, कोई कादियानी की तरफ चले जाएगा, इस तरह हम कमजोर होते चले जाएंगे। तो इस तरह हमारे जो उलमा कराम का किरदार बहुत अहम है कि वो लोग आके सोशल मीडिया पे कम अज कम जिस तरह शाह साहब आप ये काम कर रहे हैं, खाली आपके अकेले करने से नहीं होगा, आप अकेले सब सबसे लड़ रहे हैं, कितना लड़ेंगे आप, माशाल्लाह अच्छी कोशिश करें, लेकिन बाकी उलमा कराम भले वो किसी भी मकतब फिक्र से हो, ठीक है, उनको यहाँ आकर कम से कम ये जो फितने इस वक्त चल रहे हैं, इस फितने से लोगों को दूर रखना, लोगों के ईमान को बचाना है, ईमान को तरह तरह से ये लोग किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचाए। तो शाह साहब ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी उलमा कराम जो स्ट्रीम लाइन पे आ रहे हैं कम से कम उनको भी इस बारे में एक राय देनी चाहिए, या कोशिश शुरू करिए वो भी अपना चैनल जरूर बनाए। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। नबील साहब आप मुझे लगता है आज पहली दफा ही तशरीफ लाए हैं, तो हमारी स्ट्रीम पे आते रहा करें, कॉल किया करें, अपनी इस किस्म की प्यारी प्यारी बातें हमें सुनाया करें, जजाकल्ला। अभी आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं ताकि नए कॉलर आ सकें। यहाँ पे एक नए दोस्त आए हैं मोहम्मद, आगे हुसैन लिखा है या पता नहीं क्या लिखा है, हसन, हसन जी बोलिए जनाब, माइक म्यूट हटा के।
आवाज नहीं आ रही हसन साहेब, मोहम्मद हसन साहेब। चले गए जी। हेलो हसन साहब, वसीम सजाद साहब आप बात कर लें, वो हसन साहब के शायद कोई नेट का इशू है जी। वसीम सजाद साहब माइक म्यूट हटा के बोल लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मुफ्ती साहब, आज जो आपने वीडियो दिखाई है, इस बंदे को मैं नाम से नहीं जानता था, इसकी मैंने वीडियो देखी थी, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था फेसबुक पे तो एक वीडियो आई थी। अच्छा लिटरली थोड़ी सी वीडियो देखी थी मैंने, पूरी नहीं देखी, तो मुझे लगा ठीक ही बात कर रहा होगा, लेकिन आज जो आपने वीडियो दिखाई है उससे काफी चीजें समझ में आती हैं कि ये सारा जो है ना वो झूठ होता है जो बना के दिखाया जाता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा किया, आज की जो वीडियो थी वो काफी इंफॉर्मेटिव थी, और आगे बंदा किसी को देखे फेसबुक पे या किसी भी जगह पे तो उसको वो एहतियात से सुन सकता है या फिर ना सुने, वो उसकी अपनी मर्जी होती है। तो बाकी मुफ्ती साहब एक आपसे गिला है छोटा सा, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं कर लेता हूँ। जी जरूर 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 जी। मुफ्ती साहब लास्ट टाइम एक दफा हमारी बात हुई थी तो उस टाइम पे मैंने आपसे पूछा था कि कोई दौरे हाजिर में जो कोई वली अल्लाह है तो आप मुझे उसका नाम बताएं, तो आपने अपने आप को पेश किया था, आपने कहा था कि मैं सिद्दीकीन में से हूँ और सालेहीन में से हूँ और इसलिए मैं वली अल्लाह हूँ, ठीक है। तो आज आपने ये कह दिया कि मैं तो फासिक फाजिर हूँ, मैं तो वली अल्लाह नहीं हूँ, तो ये मेरा जो है ना गिला आपसे। उस्ताद मोहतरम, इससे पहले कि आप इनकी इस सवाल का जवाब दें, देखिए जो हमारे पास यहाँ सुनने के लिए आते हैं, हमें देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उनका भी हमें एहतराम करना चाहिए। हमारे एक भाई ने नीचे कमेंट किया हुआ है उस्ताद मोहतरम, मोहम्मद फैसल नाम है, अगर शो करवा सकें तो। एग्जैक्टली उन्होंने यही बात इसमें लिखी अपने मैसेज में कि ये वसीम साहब आए हैं और अब ये सवाल करेंगे कि शाह साहब आपने तो कहा था, नहीं ये ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, शाह साहब आपने तो पहले कहा था कि वसीम साहब अब ये पूछेंगे कि शाह साहब आपने तो कहा था कि आप वली अल्लाह हैं और आज आप कह रहे हैं कि मैं गुनाहगार हूं, ये नीचे मैसेज में लिखा हुआ है उस्ताद मोहतरम, देखिए एग्जैक्ट वही अल्फाज इस्तेमाल किए इन्होंने। जी कोई नहीं, इनको करने दे, मैं जवाब देता हूँ। बात यह है कि ये असल में प्रॉब्लम उस वक्त पेश आती है जब सियाक और सबाक से हटा करके हमारे कादियानी भाई और मरजई भाई ये काम करते हैं ना, तो बड़ा फिर रोला पड़ जाता है, बड़ा रोला पड़ जाता है। जिस रबत के साथ ये इनको मैंने कहा था इल्जामी तौर पे, अब उसको उस चीज को बीच में ये खा पी गए हैं, और वसीम साहब ने कई दफा ये इस चीज को रिपीट की है कि तू तो वली अल्लाह कहता था वली अल्लाह। चलो मैं अभी मैंने आपसे तीन चार दफा यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया था, मैं अभी भी कह देता हूँ, अभी कह देता हूँ मैं वली अल्लाह। सवाल तो ये था कि मुझे गैर वली साबित कीजिए, तो वो आपने खुद ही साबित कर दिया ना आज कह के कि मैं नहीं हूँ। क्या फासिको फाजर? हाँ हाँ आपने खुद कहा ना, तो आपने वो आईटी के लिए कहा है, तो बस साबित हो गया ना। क्या साबित हो गया? क्या वली अल्लाह नहीं बोले तो वो काउंटेबल नहीं होते, ये साबित हो गया ना? नहीं आपने अपने मुंह से कहा ना मैं नहीं हूँ वली अल्लाह। हाँ ठीक है ना, हो गया ना साबित है। मैंने ये कहा है कि मैं फासिको फाजर मुसलमान हूँ, तो मुझे गैर वली अल्लाह क्या इससे मैं साबित हो गया? आपने खुद कहा मुफ्ती साहब, आपने कहा है कि मैं वली अल्लाह नहीं हूँ। वो जनाब अंबिया ने जो दुआएं की थी, अंबिया ने जो दुआएं की थी, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो क्या उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किए थे? क्या नबी जब ये दुआ करता है, इस किस्म की दुआएं और भी अंबिया से मंसूब हैं, कुरान में भी मिलती हैं अहादीस में भी, तो क्या वो उस किस्म के ही होते हैं? यानी अब स्टिल वली अल्लाह हैं?
जी नहीं, ये सब कुछ इल्जाम ही चल रहा है, साबित कीजिए ना। वो जो बात की थी वो उसी वक्त उसी वो रबत के अंदर थी, वो क्या इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, क्या कहते हैं चौधरी, कॉन्टेक्स्ट। यार एक तो इंग्लिश फंस जाती है अल्लाह की कसम, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की थी, तो वो कॉन्टेक्स्ट अब भूल गए आप, हाँ जी, उसको खा पी के तो ले आए। बात ये वो इल्जामी बात हो रही थी, इल्जामी जवाब, अब आपको पता ही नहीं होगा इल्जामी जवाब किसको कहते हैं। जी वसीम साहब जवाब दें। ठीक है भौती साहब, आपकी बात मुझे समझ आ गई है कि बार बार वली वली खेल दिया जी मेरे नाल, ठीक हो गया। ठीक, मैं भाई आजज आजज सा बंदा हूँ बिल्कुल, मैं आपसे भी कम तर हूँ यार, अल्लाह के बंदे, मैं तो आपको अपना बाबा समझ रहा हूँ। हाँ जी, मैंने इसलिए सवाल किया था, ये आज मैंने गिला इसलिए किया है कि तब मैं प्रिपेयर करके आया था, क्योंकि आपका टाइम ले रहा था, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आपने वो तब कोई और बात कर दी, अभी कोई और बात कर दी, तो वो फिर जो है ना वो मिक्सअप हो गया था, इसलिए मैंने आपसे गिला किया। अभी क्लियर हो गया कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी कोई चीज होती है, कि जब भी कोई बात की जाती है उसका कोई सियाक व सबाक होता है। जी जी, अब क्लियर हो गया ये वली वाला, ठीक हो गया। ओके, आइंदा तो नहीं ये मौजू छिड़ेगा? नहीं नहीं, कोई फायदा तो नहीं है छेड़ने का। जी चलो ठीक हो, और कोई सवाल आपका? नहीं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप यूट्यूब पे तशरीफ ले जाएं ताकि फिर नए कॉलर आ सके। नबील अंसारी साहब, पता नहीं बात पहले बात की है कि नहीं, कर चुके हैं तो नबील भाई क्या कोई और बात करनी है आपने? नहीं शाह साहब, ऐसे ही सो आ गया था मैं, मैंने कहा लेफ्ट कर लिया किसी ने एक ने, तो मैं उसकी जगह आ गया था। नहीं, यूट्यूब पे तशरीफ अगर ले जाए ना, तो ताकि फिर टाइम बिल्कुल 10 मिनट तकरीबन रह गए। मैं जजाक मलक एहसान साहब, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, माइक म्यूट हटाएंगे तो बोलेंगे टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया। अच्छा आगे आगे जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी, 2 मिनट में आप अपने मैसेज क्लोज कीजिए, जी जी, मैं असल में माइक म्यूट हो जाता है मलक साहब, जी अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी जी। तो मैं छोटी सी बात अर्ज कर दूं, आपकी ही बात को थोड़ा लेके आगे चलता हूं, कि मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने वालिद अली बिन रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया था कि इस उम्मत में सबसे अजीम कौन है, तो आपने फरमाया बकर सिद्दीक, फरमाया फिर फरमाया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस किया कि ये तो आप अपना नाम लेते, तो आपने फरमाया मैं तो इस उम्मत का एक आम सफर दूं। अब देखिए ये कौन कह रहा है कि मैं इस उम्मत का एक आम सफर दूं, ये मौलाए कायनात कह रहे हैं, इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया था अपने मुरीदों से एक दफा कि यार तुम सब दुआ करो कि जो जन्नत में गया ना वो दूसरे की भी सिफारिश करे, उसको भी साथ ले जाए। तो मुरीदें रोने लग पड़े, उन्होंने कहा हुजूर वाला हम तो आपके सहारे बैठे हैं, तो आप हमें क्या बता रहे हैं? तो आपने फरमाया तुम नहीं जानते आखिरत के मामले बड़े सख्त हैं। फिर गौसे आजम फरमाते हैं कि या अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधा पैदा करना, अंधा उठाना, मैं तेरा क्या तेरे बंदों का सामना नहीं कर सकता। विलायत का मतलब ये नहीं होता कि इंसान वसीम सज्जाद साहब आज ही छोड़ दे, वो खशियत इलाही छोड़ दे, तो ये हरगिज मतलब नहीं होता, आप गलत समझते हैं हर बात, उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। जी मुफ्ती साहब जजाकल्लाह मलक साहब। अगले कॉलर हमारे साथ
शुएब अबान साहब ने बात कर ली है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, मतलब अभी नहीं। शुएब भाई बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बशर भाई। बस आज का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में कुछ मैं बातें करूंगा। वो ये है कि ये जो गोहरशाही है इसका ये जो दावा है मेहदी होने का, वो किस तरह स्टार्ट हुआ। जब ये बंदा 1900 की दहाई में पॉपुलर हुआ थोड़ा सा, तो फिर इसकी मैं जाग गई। जब इसकी मैं जागी वो दावे का सबब बनी कि मैं इमाम मेहदी। पहली बात तो ये। फिर ये जो इसका चमचा था यूनस गोहरशाही, फिर जब उसके मरने के बाद इसने उसकी गद्दी पे बैठा, उसने तो इमाम मेहदी का दावा किया, और इसने यूनस गोहरशाही ने, अगर इसकी वीडियोस देखें आप, आपको पता चलेगा इसने उसको खुदा बना दिया। खुदा बनाने के बाद कलमा चेंज कर दिया। कलमा चेंज करने के बाद दीन अलाही की बुनियाद रखी, और वो कलमा जो चेंज करने के बाद कलमे में ये लिखा, जहां पे अल्लाह ताला का जिक्र आता है कलमे में, वहां पे रियाज इसने लिख दिया। इससे पूछा गया कि ये रियाज क्यों लिखा, वो कहने लगा कि रियाज इसलिए लिखा कि रियाजुल जन्ना से आई है। रियाजुल जन्ना भी नाउज बिल्ला बिन जालिका इसी गोहर के नाम पे है, रियाजुल जन्ना, इसलिए हमने ये किया है। तो इस तरह एक दफा श्रीलंका में गया, वहां पे रा राम की एक वो कोई महफल थी, उसमें शिरकत की, और उसमें ऐसा कुफर इसने किया, ऐसा कुफर किया कि काफर भी नहीं करते। ये यूनस गोहरशाही की मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक ताल्लुक था इसके बड़े का, उसका नाम है रियाज गोहरशाही। ये चूल्हे ठीक करने का काम किया करता था, ये गुजर खान के पास चूल्हे ठीक किया करता था। ये कौन से, वो स्टोव वाले जो होते हैं जिसमें वो तेल डाल के किया जाता है, वो बनाया करता था, वो ठीक किया करता। इसकी हालत ये थी। तो ये सबसे पहले जब इसके अंदर वो पीरी का वो जगह, तो ये सबसे पहले जनाब गोल्डा शरीफ गया बैत होने के लिए। वहां पर इसने जनाब क्या कहते हैं बैत होने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि यार आप ये दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो उससे अब उसके बाद ये जनाब एक हमारा मज़ार है यहाँ पे इस्लामाबाद, वहाँ पे गया। फिर ये चला गया जनाब सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से ऐनुल फ़क्र शरीफ उठाई, उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद ऐनुल फ़क्र शरीफ गुमराह हुआ, और वहाँ पे वो इसमें आज़म है उसकी वो मशक खुद बहुत करने लग गया। कराची में किसी जगह पे जाके ये बैठा है, वहाँ पे इसका वो बना हुआ है, बैठक भी बनी हुई है, जहाँ पे इसने वो चिल्ला किया। चिल्ले से बाहर आने के बाद ये गुमराह हुआ, और गुमराह होने के बाद इमाम मेहदी का इसने किया, और यहाँ से पाकिस्तान में लोगों ने इसको मारा, इसको भगा दिए, यहाँ से भगा के दूसरे दुनिया में गया, और वहां पर ही मरा। और मारने वाला मुझे लग रहा है ये यूनस गोहरशाही था जो इसका गद्दी नशीन बना। बस मैं यही कहूँगा, मैंने खुलासा इस पूरी इस जमात का आपके सामने पेश किया। शुक्रिया आपका। वंडरफुल, शुएब अवान साहब ने चंद मिनटों के अंदर पूरी गोहरशाहियत को जनाब खुलासा बयान कर दिया है, और ये जितनी चीज़ें इन्होंने बयान की हैं ये सारी की सारी गोबरशाही की जो छोटे छोटे रिसाले हैं उनके अंदर ये सारी सब कुछ लिखा हुआ है, और खसूसी तौर पे ए रूहानी सफ़र जो इसकी किताब है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और गोबरशाही की ये जो कुतुब है इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट के ऊपर, बल्कि इनकी कई वेबसाइट्स हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगले कॉलर हमारे और लास्ट कॉलर हैं, और टाइम भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। सुफियान भाई हमारे प्यारे, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, जिंदाबाद 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 किबला। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम। मैं सिर्फ एक दो ही बात करूंगा मुझसे सी, वो आपका पैगाम मैंने देना था उसको कादियानी, जो नीम कादियानी है और नीम लाहौरी है, मुश्ताक मलिक। वो मैं एक दो दफ़ा ज़िया भाई के प्रोग्राम में लाइव जाता रहा हूँ, लेकिन वो उधर आया नहीं। तो इंशाल्लाह जब भी कभी मौका मिला फिर दोबारा, तो उधर वो आया तो फिर आपका पैगाम दूंगा कि आपसे मुनाजरा करे, ताकि वो जैसे उसने उधर झूठ बोले कि जी वो, फिर मैंने ज़िया भाई को बताया कि मैं उन प्रोग्राम में शामिल था,
शाह साहब जब आर्गुमेंट देते हैं अगला बंदा मानता नहीं है तो वो गोली तो नहीं चला सकते, वो जो भी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा फिर मैं सोचूंगा मैं देखूंगा अब मैं पढ़ के आऊंगा इस पे, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात वसीम साहब है, चले दूसरों को भी सीखने का इनकी बेवकूफियों से मौका मिल जाता है, वली अल्लाह इनको पता ही नहीं है कि वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त होता है, जो दोस्त होता है जिसका दोस्त होता है उसकी बातें करता है। तो आपको समझ जाना चाहिए शाह साहब के प्रोग्राम शुरू से लेके या उलमा हक जो है अब तक, चलो बाकी उलमा इकराम की बात नहीं करते शाह साहब की बात कर लेते हैं, आपको इस स्ट्रीम के ऊपर हतम नबूवत फोरम वाली या शाह साहब का कोई भी काम, दोस्त दोस्त की बातें कर रहा है तो शाह साहब फिर वो तो एक उनकी आजी है, तो इनके प्रोग्राम में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं। वो तो इतने इतने बड़े औलिया कराम है, मियां मोहम्मद साहब ने फरमाया हुआ है कि क्या कहते हैं, जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। तो इतने बड़े औलिया कराम जो है वो आजजी में रहते हैं। तो बाकी चले शाह साहब का दावा नहीं है लेकिन आपकी आपके लिए वो भाइयो सर फकी है एक, जो वली अल्लाह होता है वो अल्लाह का दोस्त उसको कहते हैं, जो दोस्त होता है वो दोस्त की बातें करता है। तो शाह साहब की स्ट्रीम में अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं। भाइयो समझो उल्लू के पठो। बस जी शाह साहब जी ऐसी, मेरे पास एक दो और भी शेर थे लेकिन चले वो जिस दिन इंशाल्लाह आपको टाइम होगा और मुझे भी टाइम होगा, अल्लाह करे आप दुआ किया करें कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त निकलता रहे और बातें होती रहे, आपकी बातें सुनते रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइंदा स्ट्रीम के अंदर मैं तफसीली इसके ऊपर इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा। जाते जाते ज़रा थोड़ा सा बता दूं, इंटरनेट के ऊपर आप खुद सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत मवाद मिलेगा। ये कुछ किताबें मैंने जो इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, एक रूहानी सफ़र, एक तोहफ़ातुल मजालिस, एक त्रयाकुल कुलूब, एक दीन इलाही, एक रोशनास और मीनारा नूर। ये चंद कुतुब तो मेरे पास भी रखी हैं। ये रूहानी सफ़र वही किताब है कि जिसके अंदर वो खोते के ऊपर बैठ के सफ़र करता है, और अभी हमारे जो भाई आए थे उन्होंने जनाब आपको बताया, इनकी इन्होंने एक अंजमन बनाई हुई है जिसका नाम है अंजमन सरफरोशान इस्लाम, ठीक है जी, रूहानी तहरीक। ये वही है जनाब, जब सिन बलूगत को पहुँचा तो फ़कीरी का शौक इंतहा को पहुँच चुका था लेकिन शराबी किसी तरीके से ना हो रही थी। दिन रात बाबा गोहर अली शाह के मजार पर बैठा दरूद शरीफ पढ़ता रहता, जितने नवाब पर पढ़े जा सकते थे पढ़ लेता, ठीक है जी। तो ये ड्रामेबाजी, ये आपने ये किताबें इनकी पढ़नी है इंशाल्लाह, इन किताबों के ऊपर हम तफसीली रोशनी आइंदा आने वाले दिनों में डालेंगे। और ये हाशिम साहब आए हैं एक कालर, सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी, जनाब फरमाइए। अच्छा ये जो मुद्दे इसने दावा किया ये महदी होने का, ये इसके हवाले से बात करनी है। मुझे नहीं पता आप नहीं बात करनी है जनाब, किस हवाले से करनी है आपने, करें। ये जो जिस बंदे ने दावा किया है नबूवत ये महदी होने का, आपने किस लिए कॉल की है वो आप बात कीजिए। वो ये कि जो आजकल नए नए फितने आ रहे हैं, इस तरह ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जहनवी है, इसी तरह ये जो दावे नबूवत कर रहे हैं, इन लोगों के हवाले से बात करनी है कि ये धोखा देते हैं किस तरीके से। जी जी करिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाह जी, एक बात वाजे कर दूं, कुछ बात वाजे कर दूं। ये कल हाशिम ये आया था, ये हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान पे ना काफी कुछ बक गया है, और ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आड़ बनाकर जैसे कहता था कि एक आम बंदे पे लान तान करो तो ये होता है, तो जो हजरत अली पे लान तान कराए तो वो होता है, ये वो बंदा है। इस चीज का जरा ख्याल कीजिएगा, ये हजरत अमीर मुआविया के बारे में कल ठीक ठाक बोल के गया है, ये जरा ध्यान कीजिएगा। कब मेरी स्ट्रीम में? ये कल की बात है।
मैं इसी कल साधु मुत्रम आप आखिर में चले गए थे, आप आखिर में चले गए थे उसी लम्हे हजरत मीर मुआविया के बारे में ये ठीक ठाक बहस करके गया, बकवास करके गया, फिर उसके बारे में क्या कहेंगे। और इसको ना जरा इसको कल पढ़ी काफी थी, लेकिन ये बीच में टिका नहीं, आईडी बदल के भी आया था, ये वो बंदा है। और ये मिर्जा ये क्या नाम लेते हैं ना, ये मिर्जा इंजीनियर का फॉलोअर है ना। चले रुक जाए जरा रुक जाए। हाँ जी मैं माफी मांग रहा हूँ, कैमरा कैमरा ऑन कीजिए, पहले जैसे कैमरा आपने ऑन किया हुआ था वैसे कैमरा ऑन कीजिए। देखिए माफी मांगने आया हूँ पहले, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अपनी शक्ल शरीफ दिखा के बात कीजिए, शक्ल छुपाए नहीं जी। अब बेटा बात करें आप। बात ये है कि ये मैं भी इनसे काफी मुतासिर हो रहा था, तो कल इस वाले से हमने क्या कहते हैं वालदा से भी बात की है, वालिद साहब से भी बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फितने हैं इनसे बच के रहना है, तो इसे माफी मांगने भी आया हूँ। साथ साथ ये जो जिसने दावा किया है महदी होने का, तो उसके वाले से भी बात करनी है कि ये इसको इसको भी मैं बुरा भला कहना है मैंने। हाँ ठीक हो गया। अच्छा गुजारा ये है बेटा, सिर्फ ये है कि नमाज 5 टाइम पढ़ा करें मस्जिद में जाके, ठीक है, ये आपने काम करना है। जो भी आपके करीबी मस्जिद है तो, और मस्जिद में वो आप देखें, आप जब मस्जिद में जाना शुरू कर देंगे ना, तो हो सकता है वो इमाम साहब कोई दरस भी देते हो, तो उनके दरस में भी शिरकत आपने करनी करनी है, ये काम करना है आपने। मुझे नहीं पता आपने कल क्या बातें की क्या हुई, तो चलो कोई नहीं, अनजाने में वो हो जाता, जब इलम की कमी हो बंदे को ना पता हो तो वो फिर कर लेते हैं। आपकी इतनी उम्र भी नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कुछ जब पता ही नहीं है तो आप इस किस्म की बातें कर सकते हैं, तो कोई नहीं, अभी तो आपकी कुछ उम्र भी नहीं है, तो आपको तो बाकी, तो मुझे नहीं पता आपके घर के माहौल कैसा है, और यकीनी सी बात है आपके घर का माहौल मुझे लगता है कि इस्लामी नहीं है। अगर इस्लामी होता तो वो फिर आपको इस्लाम की कम से कम कोई चीजें जो है ना वो पता होती। तो जिस तरीके से अमीर हमदा ने मुझे बताया है कि आपने इस्लाम की मुकद्दस शख्सियात के ऊपर कोई बातें की हैं, तो ये तो हमारे मुसलमानों के बच्चे बच्चे को ये चीज़ा पता है कि मौला अली कौन है, सहाबा कराम क्या है, अमीर मुआविया क्या है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि सहाबा की इज्जत कैसे करनी है, तकरीम कैसे करनी है, औलिया अल्लाह की तकरीम कैसे करनी है, और उनका नाम तक भी कितनी अजमत से लेना है, तो ये सारी चीजें पता होती हैं। तो आप तालीमात हासिल करें किसी आलम दीन के पास बैठ के, मैं नहीं आपको कहता कि किस मकतबे फिक्र, हाँ लेकिन आलम दीन के पास बैठ के आप बेटा उनकी सोहबत में रहें और आना जाना रखें उलमा के पास। तो जब उलमा के पास आना जाना रहेगा, उनकी सोहबत में रहेंगे, तो बहुत इलम में इजाफा होगा। हमारी स्ट्रीम को लाजमी सुना करें, अव्वल से लेके आखिर तक आपने हमारी स्ट्रीम को सुनना है, इंशाल्लाह हमारे साथ भी रहेंगे तो आपके इलम में बहुत इजाफा होगा। जी आशिम भैया बाप बोल, माइक म्यूट हटा के। ये जो बंदा है ये डैमेज हैज बीन डन लिखा हुआ, ये कौन है जी? आप अपनी बात कीजिए, आप छोड़े। अच्छा अच्छा बात यह है कि ये जो बंदा जिसने महदी होने का दावा किया, ये मैंने कुछ अहदीस पढ़ी थी इमाम महदी के बारे में, उनके बारे में आया था कि वो नौजवान होंगे और उनकी माशाल्लाह पूरी दाढ़ी होगी मुट्ठी काली, वो अहदीस जो रसूलल्लाह ने पेशन गोइयाँ की हैं उसके वाले से। तो पहली बात है, इस शख्स की शक्ल है वो है ही इस तरह की नहीं है, ये बड़ी उम्र का बंदा है, इसकी दाढ़ी भी मुकम्मल नहीं है उस तरह, ये सफेद दाढ़ी हो चुकी है और वो भी इसने काटी हुई है और मोटा सा बंदा है। आपने कहाँ से पढ़ी है बेटा? मुख्तलिफ उलमा हैं, ये नाम भूल गए, पता नहीं कौन से आलिम थे वो, कई उलमा है उन्हें जी। नहीं अभी आप कह रहे थे मैंने पढ़ी है, सुनी नहीं कहीं, कहा आपने पढ़ी है बाद में, मैंने ये पढ़ी भी है, वो असल में दिखाते भी हैं ये इस तरह लिखा हुआ है, ये हवाले हाँ, ये है गुजारे, ये है कि बेटा जो भी पढ़ना है खुद पढ़ना है, ठीक है, तहकीक करते हैं, इसको कहते हैं तहकीक,
मैंने तो वैसे कोई नहीं आज तक ये ऐसी हदीस कोई कहीं पे भी पढ़ी जो आप बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी होगी, काले रंग की होगी। लेकिन वो हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे, हसन हुसैन की औलाद में है, वो तो होंगे ही। तो ये बंदा ये है, इसमें आप मिक्स कर रहे हैं कुछ सच को कुछ झूठ को। जी जी, ये ऐसे नहीं। तो जो भी बहरहाल कहने का मकसद ये, अभी मेरी स्क्रीन का वक्त खत्म हो गया, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। तो बेटा ये है कि उलमा के पास आना जाना रखें, उनकी सोहबत इख्तियार कीजिए, ठीक है? तो जो कमियां कुताइयां है वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यक तरफा किसी एक की नहीं सुननी कि आपने किसी एक जगह से मिर्जा जूनियर जेलमी की सुन ली लेकिन उसी पर ही सर दर्द दिया। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी सुन के आप बस चुप हो जाए, नहीं, ये भी नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तहकीक और उलमा के पास, उलमा के पास आपको मुहक्किक मुहक्किकाना गुफ्तगू ही मिलेगी। हाँ, वो नपी तुली जो कुरान और हदीस में जो कुछ है ना वो ही बताएंगे आपको इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है। तो बहरहाल मेरी स्क्रीन का वक्त खत्म और कॉलर तकरीबन सब ने गुफ्तगू कर ली हुई है, मैं तमाम से इजाजत चाहता हूँ। ये के दोबारा मैं आ सकता हूँ कभी लाइव स्ट्रीम में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी स्ट्रीम में आना जाना रखना है। सही है इंशाल्लाह, फिर आऊंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप, जब मैं मौजूद हूँ तो आपने सवाल करना है कि ये चीज मैंने फला जगह पढ़ी है या सुनी है तो है। ये क्या है, ये आपने मुझसे सवाल लाजमी करना है। ठीक हो गया, ये काम आपने करना है। कोई आपको बताए ना बताए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होती है ना, कोई आपको कोई समझ नहीं आती कि ये बात क्या है, तो मुझसे आपने लाजमी कम अज कम एक, मैंने तो दरवाजा खोला हुआ है ना, और तो किसी ने कोई दरवाजा किसी आलमे दीन ने नहीं खोला कि वो लाइव आपसे बात करें। तो चलो मेरा प्लेटफॉर्म तो है, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ही आपको दावत देता हूँ, आपने लाजमी मुझसे पूछना। ठीक हो गया आशिम भाई? सही है, ये रोजाना होती है? जी बेटा रोजाना होती है 9 बजे। सही है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाजी 2 मिनट सिर्फ, एक मिनट सिर्फ कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, 1 मिनट सिर्फ जी। ये थोड़ी सी मेरी काविश है तो इस वाले थोड़ा नजर कर रहा हूँ आपकी, चाह रहा हूँ ये। बल्ले बल्ले भाई बल्ले, शाबाश, ये काविशें करने की जरूरत है। ओए मरनिया, तू तो उस्तादा नालों भी वध महंगीया चीजा ले लिया ने। शाजी है गलीबन कोई 2.5-2.75 दे रागे बगे पै गई तीन चीजा, ते एक आईपैड भी लिया है। ओए यार तेरी खैर, सही है सही है, उस्तादा तो भी वध जाओ, हुण मेरे मुंह च पानी आना शुरू हो गया है। हैं ना उस्ताद जी, तुहाडियां दुआवां तुहाडे कदमां दा सदका, यकीन मानो। अच्छा ठीक हो गया, अल्लाह अल्लाह बरकतां अता फरमाए। अल्लाह देखो यह साडे बेटा है हथियार ने, यानी तुसा जंग जो लड़नी है, सोशल मीडिया की जंग है, सोशल मीडिया वार है, साडे हथियार ने, ते जिन्ना तिकर साडे कोल हथियार मजबूत ना होंगे असी जंग नहीं लड़ सकते। यह मामलात ने, ते मेरा लैपटॉप भी माशाल्लाह बड़ी लड़ाई की इस लैपटॉप ने, कोई 5-7 साल तेन मैं सही टो रहे है। चंगिया चीजा सानू लोड़ पैंदी। चलो जी बहरहाल दुआ को रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा सबका हामी और नासर हो, दुआ किया करें। बस अल्लाह पाक ईमान पर खातिमा ता फरमाए, इश्क सलाम ईमान सलामत हर कोई मंगदा, ते इश्क सलामत कोई अपना इश्क सलामत मांगना है। और आशिक बनिए आशिक, हाँ आशिक नहीं बने तो फिर कुछ भी नहीं बने तुसी। ये मेरा पैगाम, जजाक अस्सलाम वालेकुम रहमत। प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा मौकफ़ और ख्यालात उनके अपने जाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख्यालात आरा और मौकफ़ की अक्कासी करें, हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौकफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لب